Hello everyone, welcome back. I'm Swati, your English educator from Magnet Brains. Now, in the last video, we started learning the chapter, chapter 2, A Gift of Chapels. Right? Now we see crept up to the window. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. सो so, मृदु क्रैप्ट मतलब मृदु लल्ली और मृदु रवि और मीना वो लोग देखने के लिए गए जहां से आवाज आ रही थी सो देख क्रेप्टअप मतलब जब हमें नहीं बताना होता जब हम दबे पाव जाते हैं झुक के और मतलब एकदम जमीन के पास पास झुक के जब हम जाते हैं उसे कहते हैं क्रीप करना क्रैपट लल्ली वॉज सिटिंग इन अ लिटिल डिस्टेंस अवे सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर उन्होंने विंडो से क्या देखा कि लल्ली जो थी वो थोड़े डिस्टेंस पे बैठी हुई थी ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग अब ये जो है जब अब जब हम वायलिन बजाते हैं तो आपके हाथ में वायलिन होता है और जिससे आप बजाते हैं उसे बो स्ट्रिंग कहते हैं उसने बहुत ऑकवर्ड तरीके से पकड़ा था मतलब बहुत ही अनकम्फर्टेबल तरीके से पकड़ा था हर एल्बोज जटिंग आउट जब हम अगर वायलिन बजाएंगे तो हमारे एल्बोज कैसे होते हैं आउट होते हैं

उसके जस्ट सामने जो थे, उसके म्यूजिक मास्टर बैठे थे और वो बहुत बोनी फिगर मतलब वो काफी दुबले थे, काफी दुबले पतले से थे वो। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. उनके जो थे, उनका जो सर था वो ऑलमोस्ट बाल था मतलब वो पूरे ऑलमोस्ट गंजे थे, बाल मतलब विदाउट अन्य हेयर। लेकिन जो नीचे का पार्ट था कान के पास से वहां पे उनके काले काले बाल थे एंड विद अ ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज और जिसको उन्होंने एक साथ पीछे टाई किया हुआ था सो इफ यू विल सी हियर उनके यहाँ से पूरे ब्लैक कलर के बाल हैं और पंडित जी जैसे उन्होंने पीछे टाई किया हुआ था टफ का मतलब होता है अ बंच ऑफ हेयर हेल्ड टुगेदर एट द बेस अ बंच ऑफ हेयर हेल्ड टुगेदर एट द बेस नाउ

मतलब एक जो गोल्ड चेन थी उनकी लेदरी नेक मतलब ऐसा लग रहा था उनकी जो स्किन है ब्राउन स्किन है वो काफी हार्ड है इसीलिए उसको लेदरी नेक कहा गया है और वहाँ एक सोने की चेन चमक रही है ग्लीम्ड मींस शाइन एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड अब उन्होंने अपने एक उंगली में डायमंड की रिंग पहनी थी वो जो वो चमक रही थी कब एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन अब जो ये वायलिन की जो है जो उसने उसका जो वायलिन के जो आपके पूरे तार होते हैं उसको ऐसे स्टेम बोला है तो उन्होंने बोला जब वो स्टेम से मतलब वो जो पूरा बजा रही थी ऐसे ग्लाइडेड अप एंड डाउन तो वो ग्लिटर कर रही थी वो चमक रही थी ग्लाइड अप मतलब टू मूव अप स्मूथली एंड एफर्टलेसली अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉमBeneath his gold bordered vesti uh, edge and he was beating time on the floor with this scrawny big toe अब ही वॉज मास्टर्स तो उन्होंने एक धोती पहनी हुई थी जिसका गोल्ड बॉर्डर था तमिल में धोती को वेष्टि कहते हैं तो उन्होंने एक गोल्ड धोती पहनी हुई थी जिसका बॉर्डर गोल्ड था सॉरी और उसके अंदर से उन्होंने अपने को बाहर निकाला हुआ था, जिससे वो ताल दे रहे थे बीटिंग टाइम का मतलब होता है ताल देना एंड विथ दस क्रोनी बिग टो ताल किससे दे रहे थे उनका जो बड़ा सा पतला सा जो टो तो था उससे वो उसको

अपने वायलिन पे बजाया अब यहाँ पे हमने वायलिन के वायलिन के दुख को व्यक्त किया है विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इनर हैंड्स अब वो जो वायलिन था आप उसको अच्छे से बजाओगे तो बहुत खूबसूरत से स्वर बाहर आएंगे लेकिन क्योंकि वो जिस तरीके से बजा रही थी वो वायलिन भी सोच रहा था यार मैं किसके हाथ में आ गया वॉट आ डिफरेंस मतलब दोनों एक ही चीज बचा रहे थे बट देर वॉज अस द म्यूजिक मास्टर्स नोट टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इन टू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलेडी अब इस पूरे आ, बुक में मतलब इस पूरे चैप्टर में उन्होंने जो ये पूरी मेलेडी है जो पूरा म्यूजिक है इसको कंपेयर किया है कि अगर एक ट्रेन जो है जब वो प्रॉपरली रेल्स पर चल रही है उसके ट्रैक पर चल रही है तो वो एक एक एकदम सधा हुआ सा साउंड आता है लेकिन जब वो डीरेल हो जाती है तो कैसी खटर पटर की आवाज़ आती है कितनी स्क्रीचिंग नॉइस आती है सो so वो उसको वापस वही कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो म्यूज़िक मास्टर के नोट्स थे वो एक लहरों की तरह मतलब दे यूज टू तो जस्ट फ्लोट अप एंड डाउन एंड सेटल परफेक्टली मतलब वो उस ट्रैक्स पे एकदम परफेक्टली सेटल हो जाते थे It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Zavi said. So, moving forward, Nidhu stared at that huge B-ringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. Nidhu जो थी वो music master को देख रही थी जिस तरीके से वो music बजा रहे थे. So B-ringed का मतलब होता है a finger with a ring. अगर आपने ring पहनी है तो यू से दें it's B-ringed. ओके okay, तो वो किस तरीके से एफर्टलेसली ब्यूटीफुल म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे थे स्क्वाक दे वाज लल्ली डीरेलिंग अगेन अब लल्ली ने वापस बजाया तो एक आवाज आई स्क्वाक ओके लाइक बहुत ही अनप्लेसेंट आवाज एंड अगेन लल्ली ने ट्राई किया अम्मा केम अ व्हेल फ्रॉम द गेट अम्मो अब यहाँ हम बात कर रहे एक साउथ इंडियन फैमिली की तो अम्मो मींस लाइक एज इफ समबडी इज इन पेन सो वो ऐसे अमोह आवाज निकलता है जब ही सेंड दैट बैग बेगर अवे अब ये आवाज एक बेगर ने लगाई जो कि बाहर था और रवि की जो मोम थी जो रुकमनी थी उन्होंने क्या कहा रवि उस बेगर को बाहर भगाओ क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेर शी वाज चैटिंग विद तापी

लेकिन अब बहुत हो गया अब उसको दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए पाती मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम अब वो जो बेगर था वो एक हफ्ते से आ रहा था तो उसको बहुत कंफर्टेबल फीलिंग आने लग गई थी वहाँ पे। तो वो बेगर ऑलरेडी अंदर आ चुका था घर के मतलब जो घर के जो सामने का जो पूरा आंगन था वहाँ पे वो आ चुका था रवि मीना और मृदु सब लोग बाहर गए quite at home you know to make yourself quite at home मतलब आप काफी comfortable हो जाते हो वहाँ पे he had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear so वो जो था उसने अपना जो गमछा था upper cloth means जो उसने जिससे अपने आप को cover किया था उसको निकाला जमीन पे बिछाया और वहां पर एक नीम का पेड़ था उसके नीचे जाके वो उससे टिक के बैठ गया बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो चाह रहा था एक छोटी सी नींद लेना का मतलब होता है एक छोटी सी झपकी वीटेड मनी और फूड गिवन टू दुअर पीपल मतलब जो आप भीख देते हो उसे बोलते हैं हम एम्स गो अवे सेट रवि रवि ने स्ट्रिक्टी बोला जाओ आप यहां से माई पाती सेज़ इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम तो जो उसकी पाती ने कहा था उसने वही पूरा रिपीट कर दिया कि आप मेरी पाती ने कहा है कि आप जाओ यहाँ से और आप दूसरा घर ढूंढ लो अब भीख मांगने के लिए द बैगर ओपन हिज आईज़ वेरी वाइड अब वो जो था वो तो उसने आँखें बंद करके वो रेस्ट कर रहा था वहाँ पर तो बैगर जो था एकदम से उसने अपनी आँखें खोली और सारे बच्चों को देखा द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का रिप्लाई आएगा वहाँ से सो so, उसकी उसका जब घला जो हम बोलते हैं ना ही वॉज चोक्ड मतलब उसका गला एकदम भर गया था और उसने बोला यहाँ की जो लेडीज़ हैं इस घर की जो लेडीज़ हैं आर वेरी काइंड सोल्स वो लोग बहुत काइंड हैं मतलब बहुत दयालु हैं I have kept my body and soul together on their generosity for the whole week. Now we have got another idiom here which says that I have kept my body and soul together. मतलब मैं अपने आप को इतने दिन तक I was able to manage to survive. मतलब मैं जिंदा रह पाया हूँ इनकी दया की वजह से. So kept my body and soul together means to manage to stay alive.

अम्मा अम्मा सो so उसने ज़ोर से उन्हें पुकारा वो जहाँ खड़ा था वहीं से पाती को पुकारा सैड हिज वेल माइट बी बट सर्टन इट सर्टनली वॉज नॉट फीबल मतलब जो उसकी जब वो आवाज़ लगा रहा था वो भले बहुत ही ज़्यादा सैड था लेकिन इट वॉज नॉट वीक इट वॉज ईज़िली ऑडिबल काफ़ी ज़ोर से उसने कहा था उथ विनिंग टीथ स्टेन ब्राउन विद बीटिलीप स्ट्रॉन्ग एक्ल समवेयर इन हिज विदउट बेली विदाउट बेली का मतलब होता है विदाउट मतलब कोई भी चीज जो सूख गई है ड्राई हो गई है withered belly का मतलब है कि अब उसके पेट में कुछ था नहीं मतलब वो भूखा था तो वो एकदम ड्राई हो गया था वहां से उसकी वो आवाज निकली a deep, strong rumble rumble मीन्स अ डीप साउंड एंड केम बूमिंग आउट ऑफ his माउथ तो जब वो बुला रहा था तो ऐसा लग रहा था उसके पेट से वो आवाज निकली और उसने अपनी आवाज निकाली मुँह से With its few remaining teeth तो जब वो बोल रहा था उसके दांतों के बारे डिस्क्राइब किया गया है कि जो पान चबाने से जो दांत है उनमें पूरे रेड स्टेन्स पड़ जाते हैं रेड दाग पड़ जाते हैं सो so, जो हमारा जो राइटर है वो उसके दांतों को डिस्क्राइब कर रहा है रवि टेल हिम देर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक एंड ही इज नॉट टू कम अगेन टेल हिम दैट लेकिन पाती जो थी उन्होंने कहा उसको बोलो अभी किचन में कुछ भी नहीं है वो यहाँ से जाए और अब दोबारा वापस ना आए शी साउंडेड फेडअप वो इरीटेट हो चुकी थी वो परेशान हो चुकी थी जिस तरीके से वो उनको बुला रहा था वो परेशान हो गिर चुकी थी उन्होंने बोला कि प्लीज उसको भगाओ यहाँ से दी डिड नॉट द बैगर क्योंकि जिस हिसाब से पाती ने कहा था बैगर हर्ड इट ऑल बैगर ने पूरा सुन लिया था वॉट हेज मदर सेड बीन ईजी फॉर दम ऑल टू हेयर देय अंडर द नीम ट्री द बेगर सेटअप एंड साइड I'll go, I'll go, he said wearily. So बहुत ही थका हुआ था वो तो उसने कहा चलिए ठीक है मैं चला जाता हूँ. Only let me have a rest under this tree. बस मुझे थोड़ी देर इस tree के अंदर rest करने दो. The sun is so hot. The tar has melted on the road. इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जो पूरा जो डामर है टार मीन्स जो डामर होता है जिससे रोड्स बनती है वो पूरा पिघल गया है और उससे मुझे काफ़ी तकलीफ़ होगी माई फीट आर ऑलरेडी ब्लस्टर्ड मतलब उसने अपने पैरों को दिखाया जिसमें फफोले हो गए थे ब्लस्टर्स मीन्स छोटे छोटे जो है बॉयल्स हो जाते हैं जा, या तो जलने से या तो कोई चीज़ अगर बार बार घिसती है तो जब आप चलते हो रोड पे तो एक तो वो बहुत गर्म थी और उसके पास स्लिपर्स भी नहीं थे He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसने अपने पैर स्ट्रेच किए मतलब उसने दिखाया कि देखो मेरे पैर जो है कितने ज़्यादा ब्लिस्टर्स हो रखे हैं उसमें तो मुझे थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करने दो आई सपोज ही डजेंट the मनी टू बाई चप्पल्स जैसे ही मृदु ने वो देखा सो so, मृदु विस्पर्ड टू मीना एंड रवि उसने मीना और रवि को बोला मुझे लगता है इसके पास चप्पल्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं Have you got an old in the house somewhere? उसने उन दोनों से पूछा क्या तुम लोगों के पास कोई एक पुरानी चप्पल है घर में कहीं पेट रविम उसने बोला मुझे नहीं पता मेरी बहुत छोटी वरना में उसे अपनी ही दे देता और मृदु और मीना के भी जो फीट थे वो भी उससे काफी ज्यादा छोटे थे तो so, इसीलिए उनकी किसी की भी चप्पल उसको फिट तो नहीं आएगी द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती अब बेगर को तो मालूम था वो वहाँ से जा रहा था तो उसने जो बिछाया था उसको झाड़ा शेकिंग मीन्स झाड़ा और उसने वापस उससे अपने आप को कवर किया अपनी धोती को टाइट किया बिकॉज ही हैड टू अगेन मूव He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. उसने बहुत ही डरते हुए उस रोड को देखा जिसमें वापस उसको जल चल के जाना था और उसके पैरों में ऑलरेडी पूरे फफूले छाले पड़ चुके थे तो उसको काफ़ी तकलीफ हो रही थी वापस चलने के लिए उसे लगा था वो यहाँ रहेगा कुछ खा लेगा और थोड़ी देर रेस्ट कर लेगा बट अब उसे जाना पड़ रहा था ही नीड्स समथिंग ऑन his फीट मीना सेड हर बिग आइज फीलिंग उसको देख के मीना को मीना की आंखों में आंसू आ गए हर आइस फिलिंग मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए उसके लिए जो अंदर से उसके जो दया के भाव थे उसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए उसने कहा इसको जरूरत है इन्हें हमें हमें कुछ करना चाहिए इनके लिए इट्स नॉट फेयर बिकॉज यू नो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको वो लोग बहुत इमोशनल भी होते हैं एंड दे आर वेरी प्योर तो उसने बोला कि ये सही नहीं है हमारे पास चप्पल्स हैं बट उनके पास नहीं है हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए सेट रवी आई एम थिंकिंग अबाउट इट अब रवि ने बोला रुको मुझे सोचने दो ब्लबिंग इट्स नॉट फेयर इट्स नॉट फेयर इट्स इट इज इंट गोइंग टू हेल्प अब रवि जब सोच रहा था ब्लबरिंग मीन्स यू क्राई क्राई नॉइजिली एंड अनकंट्रोलबली तो वो इतना इमोशनल हो गया था कि ही स्टार्टेड क्राइंग तो उसने बोला कि ये सही नहीं है ओके एंड इन टू मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हेज फीट ऑन दैट रोड सो so, उसने बोला अगर ये अभी यहाँ से गया तो दो मिनट के अंदर वापस इसको उतनी ही तकलीफ होगी ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड मतलब कि वापस उसके जो पैर हैं वो मतलब उनका तो काम लग जाएगा वॉट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स तो सोल्यूशन क्या था कि उसको चप्पल्स चाहिए सो वेयर डू वी गेट देम कहाँ से लेके आए हम कम लेट सर्च द हाउस हे पुश मृदा एंड मिनू इन टू द हाउस तो उसने बोला जल्दी चलो हम जाके देख के आते हैं और उसने उन दोनों को पुश किया कि चलो हम घर में पूरा सर्च करेंगे वी विल फाइंड समथिंग फॉर दिस बेग जस्ट एज शी स्टेप्ड द टू दरान आईज फेल ऑन दुकिंग चप्पल शी हेड नोटिस जैसे वो घर के अंदर जाने वाले ही थे तो वरांडा में उसने देखा कि वही ब्लैक वाली जो चप्पल्स थी जो उसने घर के अंदर आते टाइम नोटिस की थी वो थी और वो बहुत ही ऑड लग रही थी ऐसा लग रहा था वो बहुत पुरानी है शाबी लुकिंग बट स्टोडी ओल्ड स्लीपर्स सो उसने बुला रवि को रवि ये किसकी है तो जबीन ने उसको देखा वो ब्लैक चप्पल्स थी मतलब बहुत पुरानी गंदी तो हो रही थी लेकिन एकदम स्टडी थी स्टडी मतलब स्ट्रॉन्गली बिल्ट इजीली टूटने वाली ऐसी हालत में नहीं थी ही बीम्ड एंड नोडेड जैसे उसने देखा उसके चेहरे पे एक चमक आ गई एंड ही नोडेड कि हाँ, दीस आर जस्ट द राइट साइज ही सेड पिकिंग देम अप उसने बोला ये परफेक्ट साइज है उनको देने के लिए और उसने वो उठा ली मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इन टू द गार्डन अब उन्होंने किसी से पूछा तो नहीं था कि ये जो चप्पल है ये हम ले जाएं या नहीं ले जाएं वो लोग लेके चले गए तो वो लोग नर्वसली गार्डन के अंदर गए हियर सेड रवि टू द बेगर ड्रॉपिंग द स्लिपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन उसने वो जो चप्पल थी वो उनके सामने रख दी और बोले ये लो आप पहनो और जाओ वेयर दिस एंड डोंट कम बैक उसने बोला ये आप पहनो और वापस मत आना बेगर स्लिपर्स हरीडली फ्लंगीट इंटू देफ्ट जो था उसने तुरंत वो पहनी अपना जो कपड़ा था उसको वापस अपने ऊपर डाला ताकि वो धूप से बच जाए और तुरंत वो वहां से चला गया हरीडली फ्लंग इंटू हिस्ट हिस्टाल ओवर हे शोल्डर पुस्ट हिस्सू लेफ्ट तुरंत उसने वो चप्पल पहनी और वो चला गया मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रग और जब वो जा रहा था तो उसने उन बच्चों को आशीर्वाद दिया धीरे से एकदम मटरिंग मीन्स बहुत ही धीरे से बोलना जो ऑलमोस्ट इनऑडिबल होता है और वो वहाँ से चला गया इन अ मिनट ही हैड विनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट एक मिनट के अंदर वो पस कॉर्नर जो था उधर तक जाके वो चला गया था अब वो नहीं दिख रहा था क्यों वो बेगर इतनी जल्दी चला गया क्योंकि उसे पता था बच्चों ने बड़ों से परमिशन तो ली नहीं है हो सकता है पाती आए और बोले कि नहीं नहीं ऐसे हम चप्पल नहीं दे सकते वो वापस ले ले तो उसको लगा जो मिला है और तो कुछ मिलेगा नहीं यहाँ से और उसे चप्पल तो चाहिए ही थी तो वो लेके फटाक से वहां से चला गया द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles अ म्यूजिक मास्टर जो थे वो बाहर आए और उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि कैसे बच्चे हैं मार्बल्स खेल रहे हैं कुछ अच्छा ही कर लेते तो बहुत अनएप्रिशिएटिव मतलब जिसको आप पसंद नहीं करते जिसको आपने अप्रिशिएट नहीं किया तो उन्होंने वैसे तरीके से उनको देखा वो सब मार्बल्स खेल रहे थे मतलब कंचों से खेल रहे थे देन ही सर्चड फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरंडा वेयर ही हैड पुट देम तो म्यूजिक मास्टर की चप्पल थी जो ब्लैक वाली थी तो जब वो आए उन्होंने ढूंढा उन्हें तो कुछ नहीं मिला उसने बोला. जो म्यूजिक मास्टर थे, उन्होंने कहा कि बेटा, आपने मेरी चप्पल देखी है यहाँ पे मैंने यही रखा था मुझे याद है मैं यही रख के गया था रवि मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा अब उन तीनों ने कुछ नहीं बताया वो तीनों वहीं बैठे हुए थे वो देख रहे थे कि दोनों म्यूजिक मास्टर और लली वो उनकी चप्पल को ढूंढ रहे हैं वरांडा में ही स्करीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम अब वो बहुत स्करीड मतलब बहुत जल्दी जल्दी ढूंढ रहे थे वरांडा के उधर पे रेलिंग के दूसरे साइड में देन ही क्राउचिंग uh, मीन्स जब आप किसी जैसे बेड के नीचे कुछ रखा हुआ है उसको ढूंढना है आप तो कैसे ढूंढोगे यू विल बी ऑन योर नीस और आपका पूरा जो अपर बॉडी है वो नीचे आ जाएगा जैसे हमको कोई भी जमीन के पास की कोई चीज ढूंढनी होती है तो वो उस तरीके से सब कुछ ढूंढ रहे थे जितने भी फ्लावर पॉट्स थे कि ये सोच के कहीं इधर तो नहीं रख दिया था या किसी से टक्कर खा गई होगी तो इधर उधर चली गई होगी तो वो ढूंढ रहे थे ब्रांड न्यू दे वर्ल्ड आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम अब उन्होंने बोलना चालू किया कि वो एकदम नई चप्पल थी क्या वो नई चप्पल थी वो तो कितनी पुरानी लग रही थी तो ये म्यूजिक मास्टर झूठ बोल रहे थे कि अरे वो तो एकदम ब्रांड न्यू थी मैंने उन्हें माउंट रोड से खरीदा था दे कॉस्ट अ होल मंथ फीस डू यू नो अब उन्होंने क्या कहा कि मैं तुमसे एक महीने में जितनी पूरी फीस लेता हूँ उतनी पूरी फीस में तो वो एक चप्पल आई थी और यहाँ पे वो मुझे मिल नहीं रही हैं सुन so, जो, लल्ली लल्ली जो थी वो अपनी ममा को बताने के लिए गई कि नहीं मिल रही है वो चप्पल सो वो बहुत परेशान हो रहे हैं तो जो रुकमनी थी वो एकदम परेशान हो गई थी ये हो क्या रहा है कैसे चप्पल नहीं मिल रही है विथ पार्ती फॉलोइंग पाती भी उनके पीछे पीछे आई वे कुड दे बी

टेंशन में आ गई थी रुकमणि कॉट साइट ऑफ रवि मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री रुकमणि ने देखा कि ये जो तीनों थे रवि मीना और मृदु ये लोग एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे अब हैव योर चिल्ड्रन शी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा सो उन्होंने पहले तो नॉर्मली पूछने वाली थी हैव योर चिल्ड्रन पर तभी उन्होंने देखा ये तीनों क्यूरियसली क्वाइट हैं अब यूजुअली क्या होता है जैसे मान लो कि कहीं कोई चहल पहल हो रही होती है जैसे कहीं किसी का कुछ मिल नहीं रहा या किसी को डांट पड़ रही है या कोई परेशानी तो बच्चे पहले वहां जाके देखने लगते हैं क्या हुआ लेकिन ये तीनों वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे देख रहे थे यहाँ आए तक नहीं सो बींग मदर उनको डाउट हुआ दैट मे बी दे नो समथिंग अबाउट दिस सो शी सेट

वन मतलब इस बार उन्होंने फिर से वही क्वेश्चन पूछा लेकिन काफी स्ट्रिक्टली पूछा रुकमणी वॉज एंग्री थॉट मृदु विद विदिवर अब उसको लगा मृदु को लगा रुकमणी जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है एंड शी गॉट फ्राइटेंड शी वुडेंट बी सो अपसेट इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोज ऑन दीट शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ अब वो मन में क्या सोच रही थी अगर रुकमणि को पता चल जाए कि वो जो बेगर था उसके पैरों में पूरे छाले आ गए थे और उसको कितनी तकलीफ हो रही थी तब शायद वो इतना गुस्सा नहीं करेगी टेकिंग अ डीप ब्रेथ शिक्राइट तो अब उसको लगा उसे बता देना चाहिए सो टी शी टुक अ डीप ब्रेथ एंड शी फाइनली सेट रुकमनी देर वॉज अ बेगर ह्योर

आ, म्यूजिक मास्टर की चप्पल्स दे दी चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती अरे बाप रे मतलब पाती ने क्या कहा आज कल के बच्चे अम्मा डिंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरी थिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड इयर रिंग्स ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस सो जवी ने कहा अम्मा आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था जिसने अपना पूरा कवच और कुंडल सब कुछ दे दिया था ही वॉज सो काइंड तो उसने कहा सिली

और वहां से जाके जो उनके जो हस्बैंड थे जो गोपू मामा थे उनकी ब्रांड न्यू मतलब जो हार्डली यूज हुई थी उन चप्पल्स को बाहर लेके आई दीज फिट यू सर, प्लीज पुट दीज ऑन आई एम सो सॉरी माई सन हैज बीन वेरी नॉटी। उन्होंने कहा आई एम रियली सॉरी आप ये पहन लीजिए ये आपको बिल्कुल फिट आएंगी और मैं अपने बच्चे की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ द म्यूजिक मास्टर्स आइट लेट अप मतलब उनकी आंखों में चमक आ गई चप्पल को देख के क्योंकि उनकी जो चप्पल थी वो तो एकदम शाबी लुकिंग बहुत ही ओल्ड थी और ये तो ब्रांड न्यू चप्पल्स थी ही पुट दे मॉन्ट ट्राई नॉट टू लुक टू हैप्पी अब वो उन्होंने फटाफट वो पहनने लग गए एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू शो एवरी वन कि वो बड़े खुश हैं क्योंकि उन्होंने लल्ली को क्या कहा था कि मेरी तो एकदम नई चप्पल थी एक पूरे महीने भर की फीस जितनी कीमत थी उसकी एंड ऑल्सो ही वॉन्टेड टू शो कि वो इन बच्चों से कितने disappointed है कितने निराश थे वेल आई सपोज़ दिस विल हैव टू डू दिस डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स व्हाट टू डू तो उन्होंने कहा हां मुझे लगता है ये चप्पल फिट हो जाएगी आजकल के बच्चे बड़ों के लिए इनको कोई आदत ही नहीं है अ हनुमानन कानेट उन्होंने रवि के लिए क्या कहा कि ये तो जो है किसे हनुमान जी का वंशज है मतलब एकदम बंदर की तरह हरकतें हैं इसकी ओनली राम कैन सेव सच अलो उन्होंने बोला सिर्फ भगवान बचाए ऐसे बच्चे को रुकमनी रवि बी कॉल्ड अ मंकी इवन अ होली मंकी सो रुकमनी को बहुत बुरा लगा उसका उसका दिमाग खराब हो गया ठीक है मतलब वो उनके बच्चे को वो मंकी बुलाएं चाहे वो हनुमानी क्यों ना बुलाएं क्यों बुलाया उन्होंने शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर तो वो एकदम स्ट्रेट खड़ी हो गई कि हो गया ना चप्पल मिल गई आपको अब आप यहाँ से जाइए when he had clattered off in his new chappals she said nidu come and have some tiffin तो जब वो clattered off मींस जो नई चप्पलों की आवाज जो थी उसको बोलते हैं क्लैटरिंग जो आवाज थी तो जब उसको पहन के जब वो बाहर चले गए उन्होंने निदू को बोला आ जाओ और टिफिन टिफिन मींस होता है नाश्ता आके नाश्ता कर लो honestly how do your children think of such things

पता नहीं आज क्या होगा कि तुम्हारे मामा जब आएंगे और जब मैंने पूरा इंसिडेंट बताऊंगी और बताऊंगी कि आपकी जो चप्पल थी वो तो मैंने म्यूजिक मास्टर को दी थी और वो हंसने लग गई सो हियर वी फिनिश आर सेकेंड चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स इट वाज अ ब्यूटीफुल चैप्टर जिसमें बहुत सारे इमोशंस लिंक थे बच्चों की जो छोटी छोटी नादानियाँ होती है और माँ बाप चाहे कितने भी स्ट्रिक्ट हो जाए उनसे लेकिन कोई उन दूसरा जब उनके बारे में कुछ कहता है तो कैसे वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती हैं इट वॉज ऑल अबाउट दीज टाइनी लिटिल इमोशंस अ ब्यूटिफुल स्टोरी अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स इन द नेक्स्ट वीडियो हम इससे रिलेटेड जो बुक हमारे चैप्टर के पीछे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ हेलो एवरीवन मैंने में स्वाति योर इंग्लिश एजुकेट फ्रॉम मैगनेट ब्लेन्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स एग्जैक्टली द चप्पल्स दैट वी वेयर एज अ फुटवेयर स्लीपर्स जिसे हम कहते हैं सो so, गिफ्ट तो हमें हर तरीके के अच्छे लगते हैं सो लेट्स स्टडी एंड रीड दिस चैप्टर अंडरस्टैंड द इमोशंस विडन बिहाइंड दिस ओके सो लेट्स बिगिन मृदु इज़ अंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मैड्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विथ तापी हर ग्रैंड मदर एंड ताथा हर ग्रैंड फादर वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक मनी हाउस टू मीट हर काजन्स लली रवि एंड मीना अब मृदु एक छोटी बच्ची है शी इज़ अंग गर्ल जो किसके साथ रहती है वो अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के साथ रहती है चेन्नई में ओके okay? जो पहले मद्रास कहते थे अब हम उसे चेन्नई कहते हैं अब तमिल लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को तापी कहते हैं और ग्रैंडफादर को ताथा कहते हैं सो so, एक दिन एक आफ्टरनून तापी जो है उसको अपने साथ उसकी आंट रुकमनी के घर लेके जाती है टू मीट हर कजन्स रवि लल्ली एंड मीना तो उसके तीन कजन्स होते हैं और वो उनको मिलाने के लिए लेके जाती है अ स्माइलिंग रुकमनी थ्री ओपन द डोर रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इन टू द हाउस सो अपने कज़न्स मिलने के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड होते हैं बिकॉज हम जब बड़े लोगों के साथ होते हैं हम यूज़ुअली बोर हो जाते हैं बट विद कजन्स हम प्ले कर सकते हैं वी कैन प्ले वी कैन जस्ट गो आउट बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं सो एवरीबडी वॉज एक्साइटेड मृदु एक्साइटेड थी कि वो उनसे मिलने जा रही है और वो लोग भी एक्साइटेड थे कि मृदु आ रही है हमारे पास तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची तो रुकमणी जो उसकी आंट थी उन्होंने दरवाजा खोला मीना रविड आउट वो लोग उसको लेने के लिए दे मतलब एकदम स्पीड में कहीं चले जाना टू मूव विद स्पीड सो घर से बाहर जाते हुए वो उसका हाथ पकड़ के उसको अंदर लेके आने लग गए पुल्ड द हाउस मतलब उसको खींच के अंदर लेके आने लग गए विद एक्साइटमेंट वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु मृदु ने उनको रोकते हुए कहा प्रोटेस्ट करना मीन्स टू ऑब्जेक्ट डिसअप्रूव मतलब एक मिनट रुको कम से कम मैं अपनी चप्पल तो उतार लूट नीटली so, पे ऑलरेडी बहुत ही बड़ी ब्लैक कलर की चप्पल रखी हुई थी तो उन्हों उसने अपनी चप्पल्स को उतार के बहुत ही नीटली मतलब बहुत तरीके से उनके बगल में रख दिया दो ग्रे एक्चुअली विद डस्ट अब वो जो ब्लैक कलर की स्लिपर्स थी जो चप्पल्स थी वो एक्चुअली अभी ग्रे कलर की दिख रही थी क्योंकि उसमें इतनी धूल थी यू कुड सी द द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लिपर अब जब हम कभी वॉक करते हैं और बहुत धूल होती है तो हमारे टो और टो फिंगर्स का मार्क पड़ जाता है बाकी सब जगह धूल रहता है तो एग्जैक्टली exactly वैसे मार्क पड़े हुए थे द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी सो दिस वर्ड इज स्क्रॉनी सो so, जो ये दो फिंगर्स थे जो दो टोज़ थे जिसकी भी वो चप्पल थी उससे समझ में आ रहा था कि जो उसके टोज़ हैं वो बहुत ही लंबे हैं और क्रोनिक का मतलब होता है बहुत ही पतले तो पतले और लंबे हैं आगे देखते हैं वे दो did not have much time to wonder about whose slippers they were because zavi dragged her to the backyard behind the thick bitter berry bush अब इतने में कि नदू सोचती कि ये किसकी चप्पल है उसको सोचने का टाइम ही नहीं मिला रवि उसको खींच के बैकयार्ड में ले गया बैकयार्ड मतलब जो घर का जो दूसरा आंगन होता है पीछे का जो आंगन होता है वहाँ पे वो लेके गया उसको और बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश सो so, बिटर बेरी बुश मतलब कड़वे बेर का एक पेड़ होता है उसको वो काफ़ी थिक था उसके पीछे लेके गया वो उसे देर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइन विथ चैकिंग एंड फील्ड विथ सैंड ले स्मॉल किटन अब वहां पर नीचे एक फटी हुई फुटबॉल रखी हुई थी उसमें लाइन विथ चैकिंग मतलब जैसे बोरे का जो कपड़ा होता है उससे उसके अंदर एक पूरी लेयर बना दी गई थी जिसमें सैंड रखी थी और उसमें एक बहुत ही प्यारी सी किटन मतलब बिल्ली का बच्चा था लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल एनिमल्स यूजली जिस कोई भी चीज को पीते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर टांग सो एक छोटा सा कोकोनट शेल था जो आधा टूटा हुआ था और उसमें मिल्क था और वो उसको पी रहा था वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग ही वॉज म्यूविंग एंड म्यूविंग पुअर थिंग सेड रवि रवि ने कहा आज हमें ये सुबह बाहर गेट के पास में मिली मिला और ये बेचारा बहुत भूखा था और ये म्या म्यां कर रहा था इट्स अ अच्छा ये रवि ने मीना ने कहा इट्स अ सीक्रेट अमास पाती विल लीव फॉर आर पदू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम अब उन लोगों ने क्या कहा कि ये हमारा एक सीक्रेट है इसका मतलब इसे रिवील मत करना किसी को बताना मत अम्मा कहती है अगर पाती जो उनकी ग्रैंड मदर थी अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे घर में एक छोटा सा किटन है मतलब छोटा सा बिल्ली का बच्चा है तो वो घर छोड़ के मामा के घर रहने चली जाएंगी पीपल आर ऑलवेज टेलिंग टू बी काइंड टू एनिमल्स बट वेन वी आर दिस क्रीम हमेशा बड़े लोग हमें बताते रहते हैं कि हमें हर चीज़ के लिए कितना काइंड होना चाहिए हमें अपने अंदर दया का भाव रखना चाहिए लेकिन जब हम ऐसी काइंडनेस दिखाते हैं तो वो हम पे चिल्लाने लग जाते हैं स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएट हियर अरे उस गंदी सी चीज़ को अंदर मत लेके आ जाओ सेड रवि डू यू नो हाउ हार्ड इट इज टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन एंड फिर वो बोलता है मुझे थोड़ा सा मिल्क लाना था इतना मुश्किल था वो वहां से लेके आना क्यों क्योंकि ग्लास ऑफ वॉटर सॉरी ग्लास ऑफ मिल्क पाती विद्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ में भी बस लेके आ रहा था उन्होंने देख लिया आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री आई डोंट वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट दू लुक दैट मी अब हमारे जो बड़े होते हैं उन्हें पता होता है यूजुअली कि हम क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं तो हमारी चोरी वो बट पटाख से पकड़ लेते हैं तो रवि ने क्या बोला कि नहीं नहीं मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है इसीलिए मैं ये ग्लास ऑफ मिल्क को अपने साथ लेके जा रहा हूँ और पाती ने उसको ऐसे देखा कि जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थूथ ऑफ हर ऑफ द सेंट मुझे आधे से ज़्यादा दूध पीना पड़ा टू थ्रो हर ऑफ द सेंट इसका मतलब होता है अपने ऊपर से उनके डाउट को हटाने के लिए मिसलीड हर सो दैट शी वॉन्ट अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम उनको मैं मिसलीड करना चाहता था ताकि उनको पता ना चले कि एग्जैक्टली exactly मैं क्या करने जा रहा हूँ देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें भूख लग रही है तो तुम इसे पियो और उसके बाद मुझे ग्लास वापस दे दो टम्बलर मीन्स ग्लास जिसमें वो दूध पी रहा था उसके बाद वो मुझे वापस दे दो पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ वाई शुड आई पुटल अरे पाती मतलब मैं खुद ही धो दूंगा ना मुझे आपको तकलीफ नहीं देना आई हैो दिल्क इन टू दिस कोकोनटेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टमलर एंड पुट इट बैक बिफोर शीज रियली गॉड सस्पिशियस सो मैं दौड़ के गया और जो कोकोनट शेल था उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला और उसके बाद तुरंत वापस आया और फिर मुझे इसे धो के वापस किचन में रखना पड़ा बिफोर शी रियली गॉट सस्पिशियस सस्पिशियस means आपको किसी पे जब डाउट हो जाता है डिस्ट्रस्टफुल inclined to टू सस्पेक्ट सो उसने कहा कि मतलब मुझे जो है अपने ऊपर से डाउट हटाना था तो ये सारा कुछ करना पड़ा मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई मुझे उसको सिर्फ थोड़ा सा मिल्क देने के लिए नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र यूजली हम किटीज का नाम लाइक like जो किटन्स होती हैं बिल्ली होती है उनका नाम बड़ा क्यूट सा रखते हैं म्याओं या किटी यहाँ उसने कहा अब मुझे कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा टू फीड महेंद्रन मीन्स महेंद्रन को खाना देने के लिए सो महेंद्रन दिस लिटिल किटीज नेम इज Nidhu was impressed. It इट a अ रियल नेम नॉट जस्ट cute किटी कैट नेम स हो गई महेंद्र तुमने इसका नाम महेंद्र रखा है क्योंकि वो एक रियल पर्सन का नाम था नॉट जस्ट लाइक एनी क्यूट किट नेक्स फुल नेम इज महेंद्र पल्लवा पुनई उसने उसके बाद उसको उसका पूरा नाम बताया महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई पन एम पी पुण फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक और अगर तुम इसको शॉर्ट में यू नो एज अ से बुलाना चाहो तो तुम इसे एम पी पुने बुला सकती हो ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट जस्ट लुक एट हज फो उसने कहा ये कैट ये कोई एवी कैट नहीं है ये कोई बहुत ही अच्छी ब्रीड मतलब अच्छी नस्ल की कैट है उसका फल देखो कितना एकदम लायन की मेन जैसा है लाइक अ लायंस मेन मेन मीन्स जो लायन के जो पूरे गले में यहाँ जो पूरे बाल होते हैं उसके तरीके से है एंड यू नो वॉट द एम्ब्लम ऑफ द एंशियन पल्लवा किंग्स वोंट यू और तुम्हें तो पता ही है कि जो पल्लवा किंग्स थे उनका एम्ब्लम क्या था सो एंड यू नो वॉट द एम्ब्लम सॉरी डोंट यू ही लुक एक्सपेक्टेंटली एट मृदु सो उसको लगा मृदु को तो पता ही होगा एक्सपेक्टेंटली मीन्स होपफुली तुम्हें तो पता ही है इसका मतलब क्या होगा नाउ मृदु गिगल्ड मृदु को नहीं पता था तो वो हंसने लग गई थिंक आई एम जो किंग वेल जस्ट वेट आई शो यू समाइम उसने कहा अच्छा तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ थोड़ा दुख जाओ मैं तुम्हें किसी दिन जरूर बताऊंगा इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री उसने बोला हमने तो ये तो क्लियर है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो देन ही सेड मिस्टीरियसली वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ अ ताथा 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 ताथास एटसेट्रा एटसेट्रा अब वो बता रहा है कि जब वो महाबलीपुरम गया था अपने स्कूल के साथ एक ट्रिप पे जब वो महाबलीपुरम गया था तब उसने वहाँ पे एक पिक्चर एक स्टैचू देखा था और फैक्टर्स और विच इज़ लाइक यू नो जिसमें उनके दादा पर दादा पर दादा पर दादा का कोई एक स्टैचू था फैक्टर्स महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशन कैट अब वो ये कह रहा है कि ये जो महेंद्रन जो कैट है हमारे पास इनके पूर्वज कौन है इनके पूर्वज हैं वो पल्लवा किंग्स के जो एम्बलम में जो है लायन जैसा जो किंग लायन जैसा जो एम्ब्लम है वो इनके पूर्वज हैं सेम एंशंट कैट क्योंकि वो लायन जैसा दिख रहा है लेकिन इफ यू विल सी दिस इमेज इट्स नॉट वेरी क्लियर लेकिन इसमें जो ये इमेज है दैट इज पिक्चर और इसके पहली वाली स्लाइड में अगर हम देखेंगे सॉरी यहाँ पे सो दिस इज द काइंड ऑफ एम्ब्रम दैट दे अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो मेरी कैट है यू you नो know, यहाँ जो महिंजन है इट इज अ क्लोज रिलेटिव और साइंटिफिकली बात कर रहा है वो वो सिर्फ ऐसे ड्रीम करते हुए बात नहीं कर रहा है उसके हिसाब से वो इज द नन अदर देन द लायन मतलब वो एक लायन की क्लोज रिलेटिव है We पल्लवाउन तो उसके हाथ में एक सूखी हुई लकड़ी की डंडी थी ट्विग मतलब जो ऐसी पतली सी लकड़ी होती है जिससे आप इधर उधर खेल खेल सकते हो सो so वो उसको घुमाते हुए बात कर रहा था जब हम अपनी किसी चीज पे बहुत गर्व करते हैं या उसमें बहुत ज्यादा मिस्ट्री होती है तो हमारी आंखों में एक चमक आ जाती है वैसे ही रवि जब इस कैट के बारे में बात कर रहा था तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी दिस कैट इज द द डिसेंडेंट ऑफ अदर देन महाबलीपुरम ऋषि कैट फाइनली उसने बता दिया कि मेरी जो ये कैट है इसके पूर्वज कौन है जो महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट है जिनका एम्बलम है वो है एंड एफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट्स इन एंशंट इजिप्ट सो और तुम्हें शायद ये भी मैं बताना चाहूँगा कि एंशियंट इजिप्ट में वो लोग कैट्स की पूजा भी किया करते थे नाउ लेट्स मूव हेड हाउ ही लव द साउंड ऑफ इज ओन वॉइस जब हमको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है मतलब उसको अपनी ही बातों पे कितना गुमान हो रहा था कि यार मैं कितने मुझे कितना नॉलेज है और मेरे पास कितनी अमेजिंग कैट है मीना एंड मृदू एक्सचेंज लुक्स मीना और मृदु एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे कि कि इसको क्या 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 हो गया ये क्या बोल रहा है है तो उसने बोला कि क्या है? इन सब से मतलब क्या है कहना क्या चाह रहे हो तुम मृदु रिमांडेड हई एम टेलिंग यू दिस कैट इज द इजिप्शियन कैट गॉड नो गॉड इज बेस्ट इट तो so, उसने ये कहा फाइनली मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ जो मेरी एक कैट है इसके जो पूर्वज हैं जो इजिप्ट में जो लोग कैट गॉडेस की पूजा करते थे जिसका एक्चुअल नाम था, Bastet, which used to look like this, मेरी कैट कैट उनसे आई है मेरे के पूर्वज वो हैं तो उसने उन लोगों ने कहा सो so, तो फिर हम क्या करें अगर वो है भी तो क्या वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गोडस वॉज अटो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स अब स्टो अवे का मतलब होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो और आप जैसे किसी शिप में या किसी एयरक्राफ्ट में छुप के चले जाते हो विदाउट टेकिंग अ प्रॉपर टिकट ताकि लोगों को पता नहीं चले कि आप ट्रैवल उनके साथ कर रहे हो उसको बोलते हैं स्टो अवे तो उसने बताया कि जो ये कैट गॉडेस थी उनका एक डिसेंडेंट मतलब उनके उनका जो एक वंशज था वो जो था वो एक शिप में पल्लवास की शिप में चला गया था I एंडेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषिकैट और उनका जो वंश था मतलब उनके जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो थी महाबलीपुरम की Whose descendant is? उसने बोला और उनकी जो डिसेंडेंट है और उसने अपनी जो उसके हाथ में सूखी डंडी थी उसको महेंद्र को दिखाते हुए बोला वो है महेंड वेरी प्लीज विद्फ एंड लाइक ये क्या समझाया है मैंने ही वॉज वेरी हैप्पी विद been sharpening his अप तभी ही बहुत ही shrieking noise आई थी तो महेंद्र जो वो कैट था उसने एकदम से ऊपर देखा अभी वो क्या कर रहा था वो अपना जो एक कोकोनट shell में milk था उसे पीता जा रहा था और उसके जो claws थे मतलब जो उसके पंजे थे वो उसको बस शार्प कर रहा था

So, अगर जो मृदु थी वो शॉक हो गई थी नाउ अगर वो एकदम शॉक हो गई थी कि अरे ये अजीब सी इतनी बहुत ही बेसुधी आवाज कहाँ से आ रही है तो जो एम पी हमारा जो कैट है यहाँ पे वो इतना डर गया आउट ऑफ हिज विट्स मतलब एकदम उसका जो दिमाग था एक, आ, हिल गया और वो इतना ज्यादा डर गया हे स्टैंड ऑन एंड ही बाउंसड अप एंड टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्री ऑफ रेड चिलीज देट है उसको इतनी जोर से डर लग गया कि वो जम्प करते हुए जो वहाँ पे अभी वो जिस फुटबॉल में था उससे मूव करके वहाँ पर एक जगह जो लाल मिर्च होती है रेड चिलीज होती है उनको सुखाने के लिए रखा था तो वो जाके उसके ऊपर जम्प कर गया स्क्रीड मीन्स टू गो और मूव क्विकली बहुत जल्दी में जाना फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ अब उसको क्या लगा वो उसके नीचे छुप जाएगा तो उसने मतलब वो चाह रहा था कि वो जो जहाँ मिर्चियाँ सुखाई है वो उसके नीचे छुप छुप जाए उसको इतनी बुरी आवाज आ रही थी मैं आऊँ ही हाउल्ड मिजरेबली मतलब उसने बहुत ही पेनफुली एक आवाज़ निकाली कि भाई ये जो भी ऐसे बंद करो द्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन व्हाट्स दैट नॉइज सेट मिधु अब उस वो आवाज आई जा रही थी दिख नहीं रही थी तो मृदी ने मिधु ने पूछा कि ये कौन सी नॉइज है ये क्या नॉइज है कहां से आ रही है दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रंटेड रवि सो रवि ने बहुत ही ग्रंट मतलब एकदम भारी सी आवाज में बोला वो लल्ली है जो वो वायलिन सी बजाना सीख रही है शी नेवर लर्न अ थिंग द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज़ ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन वाई लली इज़ ऑल द टाइम डी उसने बोला कि लली कभी कुछ सीख नहीं सकती क्योंकि जो उसके म्यूज़िक मास्टर हैं जब वो बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ट्रेन जो है वो उसकी जो रेल्स हैं उसमें स्मूथली जा रही है लेकिन जब लल्ली बजाती है तब ऐसा लगता है कि वो जो ट्रेन है वो पटरी से उतर गई है और एकदम डी डी, डी होना मतलब वो पटरी से उतर गई है और वो बहुत ही बुरा साउंड करता है

मीना जैसे ही मृदु घर आती है तो वो उसको एक सीक्रेट बताती है वॉट इज दैट सीक्रेट द सीक्रेट इज अबाउट द लिटिल किटन मीना टोल्ड मृदु दैट शी हैज अ किटन इन हर फुटबॉल लाइन विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड दे फाउंड हिम आउटसाइड द गेट इन द मॉर्निंग फिर उसको जो मीना है मृदु को बताती है कि हमारे पास एक छोटी सी किटन है जो कि हमने बैकयार्ड में फटी हुई फुटबॉल के अंदर विच इज सैकिंग उसके अंदर सैंड भर के हमने उसको रखा है एंड डिड दे फाइंड हिम हिम दे फाउंड आउटसाइड गैट गेट इन द मॉर्निंग सो ये हुआ हमारा फर्स्ट आंसर नाउ सेकेंड क्वेश्चन से हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन रवि को किटन के लिए मिल्क कहाँ से मिला कहाँ से मिला था रवि को किचन के लिए मिल्क uh, वो किचन गया था किचन में जाके उसने एक टैम्पलोर में मिल्क लिया था बट देन उसकी पाती ने देख लिया था एंड देन ही रिपीटेड द लाइक वॉट एवर ही टोल्ड टेल अस कि उसने कैसे पिया उसके बाद उनको बोला नहीं मैं धो दूंगा और फिर वो बाहर आया उसने कोकोनट शेल में डाल दिया और अंदर जाके धो के रख दिया द सेम थिंग वी हैव टू आंसर इन दिस क्वेश्चन आंसर इज Zavi got milk for the kitten from the kitchen when his grandmother saw him with the glass he told her he was hungry he drank most of it to avoid any kind of suspicion he then brought the tumbler in the backyard and emptied it in the coconut shell so we have to narrate the entire thing exactly kaise hua that is going to be the answer for our second question moving forward third question who does he say the kittens' ancestors are? Do you believe him? Now, the entire story of the Zashi cat and the bastard and all, do you really believe it that that particular small kitten is going to be the you know descendant of the Egyptian cat goddess? Now that's on you. If you believe it, you can say yes, I believe it. Then you just have to say, No, I don't believe it. Now I don't believe it so I have written the answer. Likha hai. Ravi said that one of the descendants of the Egyptian cat goddess was a stowaway in a pallava ship. The descendant of this cat was the Mahabalipuram Rishi's cat, Rishi cat and their kitten had descendant from the Mahabalipuram Rishi cat. His story is unbelievable. I do not find it believable so I have written his story is unbelievable. मूविंग फॉरवर्ड फोर्थ क्वेश्चन रवि हैज़ अ लॉर्ड टू से अबाउट एम पी पु नहीं दिस शोज अब रवि ने जो उसकी कैट किटिन थी उसके बारे में कितनी सारी बातें करी इससे क्या पता चलता है ही इज मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस निधु क्या वो सिर्फ निधु को इम्प्रेस करना चाह रहा है हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड क्या इससे हमें यह पता चलता है कि उसको हिस्ट्री का काफ़ी नॉलेज है ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन क्या हमें ये पता चलता है कि उसका इमेजिनेशन पावर काफ़ी अच्छा है ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड या हमें ये पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है बहुत इंटेलिजेंट है सो so, आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है यू हैव टू आंसर दैट सो आई थिंक दैट देर आर टू स्टेटमेंट्स विच आर राइट फर्स्ट कि रवि को हिस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज है राइट right? क्योंकि जो पल्लवाज किंग के बारे में उसे आ, उसने पढ़ा उसने पढ़ चुका है जो इजिप्शियन की कैट गॉडेस है उसके बारे में वो पढ़ चुका है इसका मतलब उसे साउंड नॉलेज है ऑफ द सब्जेक्ट हिस्ट्री और सेकेंड जो है दैट उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है ये सारा कुछ इज लाइक वॉट ही वीव द स्टोरी उसने पूरी एक कहानी बुन ली और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है योर इमेजिनेशन पावर तो हाँ उसका इमेजिनेशन पावर काफ़ी अच्छा है दिस इज़ वट आई थिंक ओके मूविंग फॉरवर्ड व्हाट वाज़ द नॉइज एंड एंडटेड महेंद्रन वो कौन सी नॉइस थी जिससे जो मृदु थी वो शॉक हो गई और महेंद्रन जो था वो एकदम डर गया था सो द नॉइस दैट स्टार्टल्ड स्टार्ट एंड एंडटेड महेंद्र वाज़ एन अनयूजल क्रीचिंग लल्लीजेम्प्टर्निंग टू प्ले द वायलिन तो so, वो जो थी वो एक क्रीचिंग नॉइज थी और वो कहाँ से आ रही थी लल्ली वॉज ट्राइंग टू लर्न टू प्ले वायलिन दैट्स इट सो आई होप यू डू नॉट हैव एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज मैंशन देम इन दमेंट सेक्शन अब अब इसके आगे इन द नेक्स्ट एपिसोड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थैंक यू सो मच स्टे सेफ स्टे कनेक्ट हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट प्रिंस वेलकम अब हमने लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर रीडिंग कंप्लीट किया था चैप्टर टू अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स सेवन ग्रेड हनी कॉम बुक से अब हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं सो लेट्स क्विकली डू दिस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन पर उसको मैंशन कर दीजिएगा एंड लेट्स बिगिन क्वेश्चन वन द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट expresses दिस आइडिया इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आपको सिर्फ बुक के एग्जैक्टली exactly उस टेक्स्ट को बताना है जहाँ पे इट्स मोर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंशन कि हमने बुक अच्छे से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है इससे ये समझ में आता है तो हमें बुक से वो वाले टेक्स्ट को आ, निकालना है जिसमें ये बताया जाता है कि जो म्यूजिक मास्टर है उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजिक बनाया था So, the answer is the music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of melody. It was like the wheel of the train fitting smoothly into the rails and whizzing along. This sentence in the text expresses the idea that the music master is making lovely music. So, we have have copied the two lines the text. Now, the second question is. had the beggar come to Rukmani's house for the first time? Give reasons for your answer. Had the beggar come to Rukmani's house for the first time? मतलब क्या वो beggar Rukmani के house पे पहली बार आया था? So obviously वो पहली बार नहीं आता था because हमको दो चीजें पता है जब Rukmani ने जो रुकमनी कंप्लेन कर रही थी कि एक हफ्ते से यहीं आ रहा है और अब इसको दूसरा घर ढूंढना चाहिए तो एक तो वो था और दूसरा जो बेगर था उसने भी कहा था कि पिछले एक हफ्ते से इनकी वजह से मैं जिंदा हूँ सो so, इसमें से हम कोई भी एक जो आंसर है वो लिख सकते हैं आंसर इज नो बेगर हैड बीन कमिंग टू रुकमनीस हाउस फॉर द लास्ट वन वीक फॉर द लास्ट वन वीक मतलब होता है पिछले एक वीक से वो आ रहा है आ रहा था

बेगर है वो एक हफ्ते से वहां जा रहा था एंड ही वॉज नॉट गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री अशाप वी शेप्ड लाइन सजेस्ट टू यू अबाउट मूड सो so, एक शार्प व जो एक स्ट्रक्चर बन गया था यहाँ पे उसको हम एक्चुअली इंग्लिश में द वर्ड इज फ्राउन फ्राउन मतलब जो हमारी भवें जो ऐसी हो जाती है तो उसको बोलते हैं फ्राउन करना जब हम एंग बहुत ज्यादा एंग्री होते हैं या बहुत इरिटेट होते हैं तब हमारा इस तरीके का एक वी शेप आईब्रोज के तौर पर बन जाता है सो द क्वेश्चन इज कि उस पर्टिकुलर लाइन से क्या समझ में आता है कि रुक्मणी का मूड कैसा था सो ऑब्वियसली रुक्मणी का मूड कैसा था एंगर शी शिवॉज

So, इससे ये क्या सजेस्ट करता है ये कि जब वो ढूंढने के लिए उससे पता चली थी तब वो बहुत गुस्सा थी द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग हियर वी हैव बीन गिवन फाइव सेंटेंसेस जो हमें बुक से बस कंप्लीट करना है सो रवि कंपल ललीज प्लेइंग द वायलिन टू एंड Ismi, let's directly look at the answers. So, Zavi compares Lally's playing the violin to derailing of a train going completely off the tracks. So, basically, pe jo, this entire part is the answer: derailing. Up here, the teacher played a few notes on his violin, and Lalli stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. दिस थिंग इज योर आंसर मतलब जब टीचर ने प्ले करना स्टार्ट किया तो लल्ली भी उनके साथ बजाने लगे लेकिन वहां पे वो बहुत ही बेसुरा बजा रही थी जिसकी वजह से वायलिन भी सोच रहा था कि मैं किसके हाथ में आ गया द बेगर सेट दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड केप्ट बॉडी एंड सोल टूगेदर ऑन जेनरोसिटी फॉर ही कुडंट बिलीव दैट दे टर्न्ड हिम अवे अब हमारा क्वेश्चन क्या था the beggar said that the kind ladies of the household and the answer is kept his body and soul together on their generosity for a whole week he couldn't believe that they turned him away next is after the lesson was over the music teacher asked Lalli if she had seen his chapels. so music teacher ne kya pucha ki tumne meri chappal dekhi hai kya so ye ho gaya hamara ये हमारे सारे आंसर हो गए लेट्स गो टू क्वेश्चन डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम विंडो सो जब वो लोग जाते हैं एंड विंडो से देखते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है तब जिस तरीके से उन्होंने म्यूजिक टीचर को डिस्क्राइब किया है हमें वही डिस्क्रिप्शन यहां पे देना है सो लेट्स लुक इन टू दिस आंसर द म्यूजिक टीचर वॉज अ बोनी फिगर वो कैसे थे वो बहुत ही दुबले से थे इसीलिए हमने कहा है ही वॉज अ बोनी फिगर ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लल्ली विद हिज बैक टूवर्ड्स द विंडो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो लल्ली के सामने बैठे थे और खिड़की की तरफ उनकी बैक थी मतलब उनकी पीठ थी He was a bald headed man. मतलब उनके जो उनका जो ये पूरा जो पार्ट था इसमें there was no hair. With fringe of oiled hair falling around his ears. Of oiled hair जो काफी सारा like ब्लैक लगा हुआ था उसमें And he had an old -fashioned tuft. पुराने लोग जिस तरीके से करके नीचे से बांध लेते थे जिसे टफ्ट कहते हैं जो हमने डिस्कस किया था सो ही हैड दिस अब ये हो गया यहाँ हमने क्या बात की वो किस तरीके से दिखते थे और उनके किस तरीके से बाल थे अब he was wearing, wearing a shining gold chain. अब उन्होंने क्या पहना था एक शाइनिंग गोल्ड चेन पहनी थी around his neck, और एक diamond ring भी पहनी थी ऑन हिज हैंड ही धोती जिसे विष्टि कहते हैं हिज लार्ज फुट वॉज टक आउट ऑन द फ्लोर एंड ही वॉज बीटिंग टाइम स्क्राउनी टो सो so, अगर आपको म्यूजिक मास्टर का डिस्क्रिप्शन देना है सो फर्स्ट यू विल टेल अबाउट वेयर वॉज ही सिटिंग कहाँ बैठे थे उनका उनके बाल का मतलब उनका वो कैसे थे वो बोनी फिगर के थे उनके सर पे बाल नहीं थे और जो जितने नीचे से थे उसको उन्होंने टफ्ट में बांधा हुआ था फिर उन्होंने गले में एक गोल्ड चेन पहनी हुई थी उनके हाथ में एक डायमंड रिंग थी उन्होंने एक धोती पहनी हुई थी जिसका बॉर्डर गोल्ड कलर का था एंड उनने अपने पूरी जब वो ताल दे रहे थे तो अपने पैर को उसमें से निकाला हुआ था और अपने बड़े से अंगूठे से जो उनका दुबला पतला सा जो अंगूठा था उससे वो ताल दे रहे थे सो दिस इज़ योर कंप्लीट आंसर सो डोंट मिस द पॉइंट्स मेक श्योर की सारे जो कीवर्ड्स हैं वो आप याद रखें एंड दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज What makes Mridu conclude that the beggar has no money to buy chappals? What does she suggest to show her concern? So third question में we have got two parts. पहला कैसे मृदु को पता चलता है कि beggar जो है उसके पास chappals खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो उसे कैसे पता चलता है जब वो दिखाता है अपने पैर जिसमें इतने सारे blisters हो रखे होते हैं Obviously उससे ये पता चलता है कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है अगर होते तो वह अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों देता एक चप्पल खरीद लेता सो दिस इज हाउ वी विल राइट दी आंसर मृदु कंक्लूडेड कंक्लूडेड मतलब उसने ये चीज उसको समझ आई और उसने ये चीज कही दैट द बेगर हैड नो मनी टू बाय द चप्पल्स ये तो हमने पूरा क्वेश्चन से ले लिया क्योंकि बिकॉज ही हैड पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स सो आंसर इज ओनली दिस मच कि उसके पैरों में पिंक पीलिंग मतलब जो जैसे सिर्फ छाला जो ब्लिस्टर हो जाता है फफोला होता है वो निकल भी रहा था मतलब वो फट भी रहा था पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन हिज बेयर फीट तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमें ऐसे पता चलता है कि उसके पास चप्पल्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे बिकॉज ही हैड पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स बेयर मतलब नंगे पाँव ओके okay? मतलब जिसमें चप्पल नहीं है

बहुत जरूरी है तो ये हमारा आंसर हो गया मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द क्वेश्चन हैव योर चिल्ड्रन शी बिगेन एंड देन दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली सीन एनी वन लर्किंग अराउंड दरांडा सो जिस तरीके से रुक्मणी आई थी उन्होंने पूछा था क्या तुम लोगों ने देखा एंड देन शी चेंज्ड हर टोन सो उस में ये पूरा टेक्स्ट दिया हुआ है अब हमारे पास इसमें पहला क्वेश्चन है वॉट डू यू थिंक रुकमणी रियली वॉन्टेड उनको सस्पिशियस उन्होंने पूछा था तो एक्चुअली वो पूछना क्या चाहती थी वो पूछना चाहती थी कि उनका जो बेसिक क्वेश्चन था कि किसी ने उनके मास्टर के चप्पल देखे क्या रुकमणी एक्चुअली वॉन्टेड टू आस्क द चिल्ड्रेन इफ दे हैड सीन द म्यूजिक मास्टर्स स्लीपर्स वो क्या चाहती थी वो सिर्फ इतना देखना चाहती थी इतना पूछना चाहती थी कि भैया तुम में से किसी ने म्यूजिक मास्टर के स्लिपर्स देखे हैं क्या सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन अचानक से उन्होंने उनका क्वेश्चन क्यों बदल दिया क्यों बदला था उन्होंने क्योंकि जिस तरीके से वो तीनों क्यूरियसली क्वाइट बैठे थे वहाँ पे चुपचाप बैठे थे कोई हरकत नहीं हो रही थी वहाँ पे तब उन्हें लगा ज़रूर इन्हीं ने कुछ किया है रुकमनी changed her question because she noticed that the children were curiously quiet this is our keyword the children were curiously quiet and she suspected all unko suspect matlab unko doubt hua that they must have done something with the chappals. so there are two keywords that first one they were curiously quiet so she suspected unhe doubt hua that they only have done something with the

तो ही वॉज वेरी हैप्पी लेकिन उसने दिखाया कि वो ज़्यादा खुश नहीं हैं सो so, ऐसा क्यों हुआ ऑब्वियसली क्योंकि उसको इतनी नई चप्पल्स मिली थी और उसने जो है उसके पास एकदम पुरानी एकदम डोटी चप्पल्स थी एंड उसने लल्ली के सामने झूठ कहा था कि मेरी चप्पल्स एकदम ब्रांड न्यू थी और मैं इतना महंगी चप इतनी महंगी चप्पल्स ख़रीद के आया था इसीलिए वो अपना वो उसको डिसअपॉइंटेड फील कराना था उसको दिखाना था था कि वो कितना निराश है कितना डिसअपॉइंटेड है सो लेट सी आंसर गोपू चप्पल्स वर न्यू द म्यूजिक चप्पल्स वर ओल्ड सो ये फर्स्ट लाइन इज वेरी सिंपल गोपू मामा की चप्पल न्यू थी और म्यूजिक मास्टर की चप्पल जो थी बहुत पुरानी थी एंड शैबी लुकिंग शैबी लुकिंग मतलब बहुत ही गंदी हालत में थी वो ही हैड लाइड ही मतलब जो म्यूजिक मास्टर है उसने झूठ बोला था लाइट मतलब झूठ बोलना दैट चप्पल्स ब्रांड न्यू सो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि गोपू मामा की चप्पल एकदम नई थी और म्यूजिक मास्टर की चप्पल पुरानी थी दूसरा पॉइंट हो गया कि जो म्यूजिक मास्टर थे उन्होंने झूठ कहा था वॉज हैप्पी गेटिंग बहुत खुश था लेकिन वाई वॉज ही चिल्ड्रन डन

The question says, जैसे ही बेगर को वो चप्पल मिला ही मतलब होता है गायब हो जाना अचानक मतलब बहुत जल्दी चले जाना वो बहुत ही वहां से चला गया तो ये हमने ड्यूरिंग द चैप्टर भी डिस्कस किया था उसको लगा कि अगर अभी कोई बच्चों ने तो किसी से परमिशन ली नहीं है तो अगर अभी किसी ने देख लिया तो ये लोग शायद मुझसे चप्पल वापस ले लेंगे तो उसने वो चप्पल पहनी और वो निकल गया वहां से so the same thing we have to frame in english the beggar was in a hurry to leave after getting the chapels so this entire thing is still like from our question because he knew that the children have got them without seeking the permission of the elders seeking matlab matlab lena, okay without seeking the permission only permission mangi nahi thi ओके okay, तो एल्डर्स की परमिशन ली नहीं है तो अगर कोई एल्डर आके मना भी कर सकता है ही फियर्ड उसको डर था दैट दे माइट बी टेकन बैक फ्रॉम हिम मतलब ये लोग चप्पल मुझसे वापस ले लेंगे सो ही लेफ्ट इन हरी सिंपल आंसर दैट उसको जो था उसको लगा कि चिल्ड्रन जो हैं उन्होंने परमिशन नहीं ली एल्डर्स से उसको लगा उसको डर था कि ये लोग वापस ले लेंगे इसीलिए ही लेफ्ट इन हरी अंडरस्टैंड

जैसी उन्हें अपनी चप्पल्स नहीं मिलेगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा जब वो उन्हें पूरा ये इंसिडेंट बताएंगी बताएंगे कैसे जो है बच्चों ने जो म्यूजिक मास्टर की चप्पल बेगर को दे दी और आपकी चप्पल मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दी तो ये जो एक्सचेंज ऑफर चल रहा था जब वो इसके बारे में अपने हस्बैंड को बताएंगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा ये सोच के शी वाज स्माइलिंग लाफिंग सो द लुकमनी वॉज लाफिंग इमेजिनिंग गोपू मामा विदाउट हिस्सल तो ये पहला इमेजिनेशन पॉइंट हो गया ही हैड द हैबिट ऑफ टेकिंग आउट हूज इमिजिएटली आफ्टर कमिंग होम एंड पुटिंग ऑन दोज चप्पल उनकी क्या आदत थी अब यहाँ पे ये जो लाइन है दिस जो दो लाइन्स हैं ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमको ये बताना पड़ेगा कि वाई वर दिज चप्पल्स इम्पोर्टेंट फॉर गोपू मामा तो जैसे ही वो अपने ऑफिस से आते थे वो सबसे पहले अपने शूज उतार के इन चप्पल्स को पहन लेते थे इसीलिए इट वॉज इम्पॉर्टेंट अब ये क्यों हंसी थी शी लाव सोचते हुए कि हाउ वुड ही रिएक्ट ही मतलब गोपू मामा आफ्टर नोइंग द इंटायर इंसिडेंट तो जब उन्हें पूरा इंसिडेंट पता चलेगा तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे यो ये सोच के शी वॉज लाफिंग अनेक्सट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस ओके अब अगर हम इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ते हैं इफ शी नोज वी हैव अ कैट पाते विल लीव द हाउस शी बी सो अपसेट इफ शी नोज अबाउट द पुअर बेगर विथ सोज ऑन हिज फीट इफ द चप्पल्स डू फिट विल यू रियली नॉट माइंड अब अगर हम तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखें तो so इसमें क्या है अगर उनको पता चल जाएगा तो ये होगा अगर उनको पुअर बैगर के बारे में मतलब अगर उनको पता चलेगा कि पुअर बैगर के पैर में पूरे छाले थे तो शायद वो रिएक्ट नहीं करेगी अगर मेरे कुछ अगर वो चप्पल फिटाती तो क्या आपको बुरा नहीं लगता सो बेसिकली वी आर हियर विथ इफ़ क्लॉज इन सारे सेंटेंसेस में इफ़ क्लॉज यूज़ हुआ है सो so यूजली जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं अगर ये होगा तो ओके okay? सो so अगर जो बोलते हैं दैट इज़ अफ़ क्लॉज अब हम इसमें देखते हैं वॉट आर वी सपोज टू डू सो वी आर गिवन हेयर ऑल दीज सेंटेंसेस एंड वी हैव टू लाइक वॉक फास्ट यू विल कैच द बस हमें क्या करना है इफ क्लॉज को यूज करके इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है दैट इज इट ओके सो लेट्स हाउ इट इज टू बी डन वॉक फास्ट यू विल कैच द बस ओके एंड हमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है

डोंट स्पिट ऑन द रोड यू विल बी फाइंड अब इसको हम कैसे बोलेंगे अगर तुम रोड पे स्पिट करोगे तो तुम्हें फाइन लगेगा हमें अगर वाला सिनारियो uh, यूज करना है तो अगर तुम रोड पे स्पिट करोगे तो तुमको फाइन लगेगा सो so, हम बोलेंगे इफ यू स्पिट ऑन रोड यू विल बी फाइंड अच्छा इसमें एक चीज है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है दट जब हम इफ क्लॉज यूज करते हैं सो इफ यू जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद हम डायरेक्ट जो हम वर्ब की बात करें वो आएगा यहाँ पे इफ यू विल स्पिट ऑन द रोड हम नहीं बोलते इफ यू uh, नहीं इफ यू कम आई विल कम विथ यू सो यूजअली हम इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं डोंट टाइ य सेल्फ नाउ यू वोट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग अभी ये तो हमारे एग्जाम्पल्स थे ओके okay? अब आते हैं फाइनल सेंटेंसेस सो लेट्स ट्राई देम एंड देन वी विल सी दी आंसर्स, सो या डोंट टायर सेल्फ ओके या डोंट टायर योरसेल्फ सेल्फ नाउ यू वोंट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग अपने आप को अभी मत थकाओ तुम शाम को काम नहीं कर पाओगी सो हाउ वुड बी से दिस विल से दैट अगर तुमने अभी अपने आप को थका लिया तो तुम शाम को काम नहीं कर पाओगे स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्ज़ामिनेशन अगर तुम अभी अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो तुम एग्ज़ामिनेशन में अच्छा करोगे वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिविजन अगर तुम अभी अच्छे से मेहनत करोगे देन यू विल पास यू नो फर्स्ट डिविजन बी पोलाइट टू पीपल दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू तुम अगर लोगों से अगर तुम लोगों से पोलाइट होगे तो वो तुमसे पोलाइट होंगे डोंट टीज द डॉग इट विल बाइट यू अगर तुम डॉग को बाइट टीस करोगे तो वो तुमको बाइट करेगा सो दिस इज वॉट आई हैव एक्सप्लेन योर राइट नाउ इज कि कैसे हमको इन सेंटेंसेस को समझना है एंड नाउ लेट सी देंसर्स इफ यू टायर योर सेल्फ नाव यू वोट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग इफ यू स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन इफ यू वर्क हार्ड You will pass the examination with first division. If you are polite to others, they will also be polite to you. If you tease the dog, it will bite you. Okay, Matlab, if you people will listen to this lecture carefully, you will get good marks in your exam. Right? If you listen to this lecture carefully, you will get good marks. So, this was our if clause. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें दिस इज वेरी सिंपल हमको इसमें फ्यूचर टेंस के बारे में बात करनी है हमको सिर्फ इसमें दीज पैराग्राफ्स लाइक जो फिल अप द ब्लैंक्स है उन्हें फिल करना है वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है वी जस्ट हैव टू पुट इन द राइट फॉर्म विद द राइट हेल्पिंग वर्ब टुडे इज संडे आई एम वंडरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट अब अगर मैं घर में रहता हूं तो मैं अगर मतलब अगर मैं बाहर जाता हूँ आई विल मिस द लवली संडे लंच एट होम सो द आंसर इज सिंपल अगर मैं बाहर जाता हूँ इफ़ आई गो आउट यू विल नॉट से क्योंकि इफ़ है सो so आप विल यूज़ नहीं करोगे इफ़ आई विल गो आउट नहीं बोलोगे इफ़ आई गो आउट आई विल मिस द अमेजिंग संडे लंच नेक्स्ट इज आई थिंक आई विल गो आउट एंड सी द फिल्म

अगर आप इफ़ यूज़ कर रहे हो इफ के बाद डो नॉट यूज़ अ हेल्पिंग वर्ब एंड इफ के साथ आप दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हो जिसमें जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है इट इज़ लाइक उसका जो सेकेंड पार्ट होता है उस पर डिपेंड करता है दीज आर लाइक डिपेंडेंट ऑन ईच अदर अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा सो so, द एक का जो है कॉज जो है उस पर दूसरे का इफेक्ट आ रहा है इसलिए हम इसको इफ क्लॉज कहते हैं आई होप यू आर क्लियर विद दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो बाई अप्रोप्रिएटली यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इफ यू वॉन्ट टू इफ यू डोंट वॉन्ट टू इफ यू वॉन्ट हिम टू सो बेसिकली आपको ये तीनों चीजें यूज करनी है और इसके मतलब यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेज दैट्स इट डोंट गो टू द थिएटर आप डोंट गो द डोंट गो टू द थिएटर तुम मत जाओ अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो दिस इज हाउ वी से सो डोंट गो टू द थिएटर इफ यू डोंट वांट टू ही विल पोस्ट योर लेटर वो तुम्हारा लेटर पोस्ट कर देगा अगर तुम चाहते हो तो सो ही विल पोस्ट योर लेटर इफ यू वांट हिम टू प्लीज यूज माय पेन ओके तुम मेरा पेन यूज कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो सो प्लीज यूज माई पेन इफ यू वॉन्ट टू नेक्स्ट इज लेंड यू हिज अम्ब्रेला वो तुमको अपना अम्ब्रेला दे देगा अगर तुम, तुमको चाहिए सो ही विल लेंड यू हिज अम्ब्रेला इफ यू वॉन्ट हिम टू तो अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें अपना अम्ब्रेला दे दे तो इफ यू वॉन्ट हिम टू गिव यू योर अम्ब्रेला विल गिव इट टू यू माई नेबर्स रमेश विल टेक यू टू द नाउ हेयर वी आर मिसिंग वन वर्ड डॉक्टर सो माई नेबर्स रमेश विल टेक यू टू द डॉक्टर इफ यू वॉन्ट हिम टू अगर चाहते हो कि वो तुमको लेके जाए तो वो लेके जाएगा द लास्ट वन डोंट ईट इट इफ यू डोंट वॉन्ट टू तुम अगर नहीं खाना चाहते तो मत खाओ सो यू हैव टू सी डोंट गो टू द थिएटर अगर इसमें डोंट आ रहा है सो यू हैव टू यूज समथिंग विथ डोंट ओनली सिमिलरली अगर डोंट ईट इट सो इफ यू डोंट वॉन्ट टू अगर ही विल लैंड यू अगर कोई थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व है तो इफ यू वॉन्ट हेम टू प्लीज यूज माई पेन अब से दो लोगों के बीच में बात हो रही है देर इज नो वन एल टॉकिंग सो प्लीज यूज माई पेन इफ यू वॉन्ट टू अब इसमें इफ यू वॉन्ट हेम टू नहीं आएगा सो दैट इज इट एज पर देंटेंस यू हैव टू फिल इन द राइट राइट ऑप्शन ओके मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज अनादर से डिस्कसिंग की इसके प्रोबेबल आंसर्स क्या हो सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू गिव अवे समथिंग ऑफ यूर ओन टू दीडी वु इट बी बेटर टू आस्क योअर एल्डर्स फर्स्ट सो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मान लो आपको अपनी चीज किसी को देनी है तो क्या लगता है आपको क्या हमें पहले अपने एल्डर्स की परमिशन लेनी चाहिए या नहीं लेना चाहिए सो इट्स ऑल ऑन यू मैंने यहाँ पे कुछ आंसर्स लिखे हैं आप अपने हिसाब से आंसर्स लिख सकते हैं अगर हमें किसी को कुछ देना है सो so पहली चीज़ अगर वो चीज़ हमारी है तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है सो इफ इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू अस वी कैन गिव अ शेयर इड टू एनी वन विदाउट सीकिंग द एडवाइस ऑफ एल्डर्स जैसे कि बट यहाँ जब मैं बात कर रही करी मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रही करी सपोज आई एम ईटिंग अ चॉकलेट और मुझे वो चॉकलेट हाफ चॉकलेट जो है किसी के साथ शेयर करनी है अब उसके लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है मुझे अपने पापा के पास जाके पूछने की जरूरत नहीं है कि पापा कैन आई शेयर इट विद माय फ्रेंड agar agame school and suppose my uh, partner has not brought his pencil or a pen so i can always share for that i do not need to seek my elders advice next one is yes we should take the permission of our elders before doing anything everything we have is given to us by our parents सो वी शुड टेक देअ परमिशन और एज देन बिफोर गिविंग इट टू एनी वन हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं भले वो हमारी हैं लेकिन एज ऑफ नाउ वेन वी आर टॉक अबाउट इर्ट वो हमारी है लेकिन हमें किसी ने दी है वे आर नॉट अर्निंग राइट नाउ अगर हमें किसी ने दी है वो तो हमें उनसे उनकी परमिशन मांगनी चाहिए ये एक दूसरा आंसर हो सकता है थर्ड वे ऑफ आंसरिंग द सेम क्वेश्चन इज

यू शुड गो टू योर एल्डर्स एंड उनसे उनकी परमिशन लेनी चाहिए या आप अपने हिसाब से डिसाइड करके दे सकते हो ऑब्वियसली अगर मान लो कि कोई घर में जो है लैपटॉप रखा हुआ है मोबाइल फोन रखा है यू के नॉट गिव इट टू एनी वन ना कि हाँ यार एक काम कर मेरे को देखे बहुत बहुत प्यार आ रहा है ये ले जाओ मोबाइल फोन ले जाओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस इज ऑल्सो द डिस्कशन थिंग इज देअ समर एज इन दैमिली हु इज वेरी टॉकेटिव Do you find him or her interesting and impressive or otherwise? Share your ideas with others in the group. So basically, what's the question? ki aapke ghar mein koi aisa hai jo bahut talkative hai matlab jo bahut baatein karta hai और आपको क्या लगता है? आप उसको आपको वो irritating लगता है या आपको वो expressive लगता है या आप उस चीज को enjoy करते हो? तो so you have to give this answer. अब answers can totally depend on your personal experience. तो अगर आपके घर में छोटा बच्चा नहीं है सो यू कैन जस्ट से दैट आई डोंट हैव एनी वन इन माई फैमिली हु टॉक्स अ लॉट अब अगर आपके घर में कोई है जिसकी बातें आपको अच्छी लगती हैं देन यू कैन से येस लाइक वॉट आई हैव रिटर्न इज येस माई यंगर ब्रदर इज टॉकेटिव बट नॉट एट ऑल बोरिंग ही हैज गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब वो बहुत आ, अच्छी बातें करता है उसका दिमाग बहुत शार्प है एंड वो बहुत अच्छे आंसर्स देता है ही इज जॉयफुल एंड हिस्स पीपल एंड हिज पीपल इन्जॉय हिज कंपनी सो उसके जितने भी लोग हैं उनको उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो हमेशा बहुत खुश रहता है एक और आंसर हो सकता है कि हाँ भाई मेरे घर में कोई है बट वो मुझे बहुत पकाता है सो इन इंग्लिश वी कैन से येस आई हैव अंगर फ्रादर और यंगर सिस्टर बट दे डू टॉक अ लॉट एंड इट इज़ वेरी इरिटेटिंग सो यू कैन जस्ट वाइट योर आंसर्स

रुक्मणी ने क्या किया था उन्होंने भी तो अपने पति की चप्पल जो थी वो बिना बताए म्यूजिक मास्टर को दे दी तो एक तरीके से दोनों ने किया एक ही काम है बस एज डिफरेंस है। एक जो थी वो बड़ी थी और एक जो थे वो छोटे थे तो अगर दोनों ने एक ही काम किया तो क्या रुक्मणी को बच्चों को डांटना चाहिए था चाहिए था या नहीं चाहिए था so अब इसके लिए जो आंसर्स होते हैं जो मेरे दिमाग में आए जुक्मणी है चिल्ड्रेन अब जो है वो बड़ी है शी इज रेस्पॉसिबल हम ये नहीं कह सकते बच्ची है कोई बात नहीं सो so, वो बड़ी थी उनके बच्चे अब उनके लिए उनके बच्चे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके घर में कोई भी आता है वो खुश होके वापस जाए उनकी चीजें उनके पास हों उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सो so, बच्चों के कारण वो बहुत ही एम्बेलिंग मतलब एक शर्मसार सिचुएशन में आ गई थी इसीलिए द म्यूजिक क्योंकि म्यूजिक मास्टर की चप्पल घर से गायब हो गए थे तो इसीलिए उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए मतलब अदरवाइज म्यूजिक मास्टर क्या बोलते हैं आप तो मुझे पैसे दीजिए ये कोई तरीका नहीं होता और ही वुड हैव सेड समथिंग बैड उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने क्या किया गोपू मामा की चप्पल टीचर को दे दी इट वॉज राइट ऑन हर पार्ट टू बी अपसेट सो ऑब्वियसली बात है अगर वो लोग ये काम नहीं करते वो लोग म्यूजिक मास्टर की बेगर को नहीं देते तो उन्हें ये सब नहीं करना पड़ता और ये उन्होंने क्यों किया? Because आपके घर में कोई आया है, तो आप उनको हर्ट करके या उनकी कोई चीज है वो चुरा के ऐसे नहीं दे सकते किसी को सो so शी yes, right और आंसर हो सकता है जो आपके में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा दैट चिल्ड्रेन एंड रुक मनी डिट द सेम सो इट वॉज नॉट राइट फॉर ईदर ऑफ देम टू ब्लेम ईच अदर की दोनों ने एक ही काम किया इसीलिए हमारे हिसाब से उन्हें एक दूसरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए था देव ब्लेम्ड ऑन ईच अद नाउ दिस लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली इज टोटली ऑन यू इस क्वेश्चन में क्या है आपको मान लो एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन है और आप सब लोगों को एक हॉस्टल में रहने को बोला गया है दे हैव बिन आज टू चूज अ पर्सन इन द ग्रुप टू शेयर अ रूम विद और आपको कहा है कि आप कोई भी एक पर्सन को चूज़ कर लो उसके साथ आपको रूम शेयर करना है एंड इट्स अ बिग थिंग कि आपको मान लो दोनों को एक दूसरे की आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है या दोनों बहुत ही अलग नेचर के हैं तो इट वी ईजी फॉर डेम टू स्टे लाइक दैट मतलब वो कम्फर्टेबली रह नहीं पाएंगे इसीलिए इट्स बेटर कि आप एक दूसरे से बात कर लो तो उन लोग एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं एक दूसरे की लाइक्स डिसलाइक्स प्रेफरेंसेस हॉबीज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सब पूछ रहे हैं तो अब इसमें यू हैव टू आंसर एग्जैक्टली द वे यू वुड वांट टू आप जिससे भी बात करोगे जब आप ये एक्टिविटी अपनी क्लास में करोगे तो द आंसर्स आर गोइंग टू डिपेंड ऑन यू व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग आफ्टर स्कूल आई एंजॉय स्लीपिंग आई एंजॉय वाचिंग टीवी आई एंजॉय टॉकिंग टू माई मदर आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट एनीथिंग What do you like in general? I like chocolates, I like watching movies, so it's totally on you. Do you play any game? So now the answer can be no, I don't play any game, or yes, I play a lot of games, and you can name a few. Next one is I don't like, so you can say I don't like loud music, or I don't like uh, people yelling at me anything or i don't like uh, uh, you know a lot of uh, shouting going on at my house or my room Tum kuch bhi bol sakte ho. would you mind if i listen to music after dinner so what would you say either you will say i would mind or you will say i would not mind totally on you will it be all right if i so now will it be all right if i uh, bring a lot of friends और इफ आई कम लेट और इफ आई लाइक डू एक्सरसाइज पुटिंग ऑन लाउड म्यूजिक दैट ट्वेंट सिक्स ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग सो इट्स ऑन यू इट्स फाइन विथ मी इट्स फाइन विथ विथ मी और इसके आगे आप इफ भी लगा सकते हो दैट इट्स फाइन विथ मी इफ यू कीप द वॉल्यूम लो और इफ यू कम बैक ऑन टाइम इज देर एनी यू डिसक पर्टिकुलरली नाउ इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं Well, I can't share. Now, you can say I can't share my chocolates, or I can't share my books, or I can't share my, uh, my clothes, anything. Do you like to attend parties? Oh, I hate parties. Another answer can be Oh, I love parties. Would you say you are? So, would you say you are what? So, would you say you are interesting? Would you say you are talkative? Would you say you are uh, boring?

So, if make sure that you watch that video, and is in this chapter, may question answers se related difficult words related, koi bhi doubt hota hai so please comment section me mention it. And I'll try my level best to solve your doubts. So, till then, stay tuned, stay connected, and stay safe. Thank you. Bye. Hello, everyone. My name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome. सो so, आज हम जो पोम स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द स्क्रीन वट डू यू सी ऑन द स्क्रीन सो एवरी वन इज़ मूविंग इन वन डरेक्शन बट दिस पर्सन ये एकदम अलग ही चल रहे हैं नाउ लेट्स लुक एट दिस इमेज सो द सोसाइटी जो हमारे आसपास के लोग होते हैं दे टेल दैट यू नो बी योर जैसा मन करता है वैसा रहो बट वेन दिस पर्सन इज एग्जैक्टली द वे ही वु बी सोसाइटी से अरे नहीं नॉट लाइक दैट सो वॉट डू यू मीन बासी लोगों से किसी भी ऐसे इंसान से मिले हैं किसी ऐसे लोगों से मिले हैं जो हमेशा अलग काम करते हैं उल्टा ही काम करते हैं सब बोलेंगे वाह वो कितना अमेजिंग वेदर बोलेंगे नहीं यार मुझे तो घर जाना है मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे सब बोलेंगे कि आजकल जो है आ, मतलब ये पर्टिकुलर थिंग फैशन में वो बोलेंगे कितना और है मुझे रखना ही नहीं है सब बोलेंगे चलो आज एक काम करते हैं बहुत अच्छा मौसम हो रहा है हम सब छुट्टी मनाने चलते हैं या फिर हम लोग मूवी देखने चलते हैं वो बोलेंगे नहीं मैं घर में बैठ के बुक पढ़ूँगा या अगर सब बोलते हैं बापरे बाहर कितनी ज़्यादा धूप हो रही है कितना ज़्यादा ख़राब मौसम हो रहा है चलो हम सब घर में रहते हैं बोलेंगे नहीं मुझे तो बाहर जाना है तो जो लोग कुछ लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कुछ अलग करना होता है उनको वो लोग दूसरों के जो दिखाए हुए पैथ को फॉलो नहीं करते वो लोग सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते वो फॉलो नहीं करना चाहते उनका उनके पास हमेशा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि अगर मुझसे ये बात बोली है करने के लिए तो मैं क्यों करूं? जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट सुपरस्टिशंस अगर हमसे बोला जाता है कि जैसे हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं आप गुरुवार को अपने बाल मत कटवाओ या रात में नेल्स मत काटो ऑल ऑल दोज काइंड ऑफ सुपरस्टिशंस दे हैव द क्वेश्चन व्हाई दे आस्क व्हाई राइट हु आर दीज पीपल हु इज अ रिबेल अ पर्सन हु हैज द कॉन्फिडेंस एंड हु हैज द पावर टू से नो और टू एक्ट इज जो भी आप करना चाहते हो जिस भी तरीके से सोसाइटी रूल करना चाहती है या जो भी कोई आपको गाइडेंस देता है या किसी के पास अथॉरिटी वो बोलते हैं नहीं मैं किसी के अंडर में क्यों करूँ मैं किसी के जैसा क्यों करूँ लेट्स सी अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अब अब एज अ पर्सन हु रेजिस्ट एनी अथॉरिटी कंट्रोल और ट्रेडिशन ही और शी वुड राइज इन अपोजिशन अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश गवर्नमेंट लीडर और एनी अथॉरिटी एक ऐसा बंदा जो किसी भी अथॉरिटी में डील नहीं करना चाहता मेरे ऊपर मुझे कोई क्यों बताए कि मुझे कैसे अपनी लाइफ चीनी है उसे कोई किसी तरीके का कंट्रोल नहीं पसंद है उसे किसी तरीके का ट्रेडिशन नहीं वो अपने ट्रेडिशन फॉलो करेगा ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ के लिए मना कर देगा लेकिन अगर कोई उसके ऊपर इम्पोज़ करेगा कुछ अगर कोई थोपेगा तब वो बोलेगा आखिर क्यों और शी वु राइज इन ऑपोजिशन अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश गवर्नमेंट लीडर और एनी अथॉरिटी वो सबके अगेंस्ट में जाके खड़े हो जाएंगे ऑपोजिशन uh, में जाके खड़े हो जाएंगे एंड दे विल चैलेंज द सोसाइटी इट्स नॉर्म्स एंड द अथॉरिटी जिसके कारण वो सारे नॉर्म्स चलाती है नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अमेजिंग वेरी फॉर्मल एंड कैशुअल फो द रिबिल एंड द पोएट इज डी जे एनविट अब ये जो पोम है ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की है इसमें कुछ भी डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो कि आपको समझ में नहीं आएगा इफ़ यू विल हैव अ क्विक रीड बिल्कुल समझ में आ जाएगा सो लेट्स स्टार्ट विद इट बिफोर वी स्टार्ट विद अ पोम लेट्स हैव अ स्मॉल डिस्कशन अबाउट द पोएट सो डेनिस जोसेफ डी जे एंडविट

जब पूरी दुनिया बोल रही है कि नहीं यार लेट्स हैव शॉर्ट हेयर तो वो बोलेगा नहीं क्यों मुझे तो बड़ा अपने बाल लंबे करने हैं और जब सब बोलेंगे आजकल तो लंबे बालों का फैशन है वो बोलेगा नो आई वांट टू कट माय हेयर शॉर्ट व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रेबिल से अ वर्ड सो जैसे अगर टीचर के साथ डिस्कशन हो रहा है कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हर कोई बात कर रहा है द इज़ नॉट गोइंग टू से अ वर्ड ही और शी विल कीप मम एकदम चुप When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. when the teacher a lecture or the rebel would want to create a disturbance because he would want to seek a lot of attention. He would want to constantly make sure that the limelight is on him. The rebel creates a disturbance. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. सो so, जब सब यूनिफॉर्म पहने यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसे कपड़े एक जैसी ड्रेस चाहे वो ऑफिसिस में हो चाहे वो स्कूल में हो सो वैन वी गो टू स्कूल वी ऑल वेयर द सेम यूनिफॉर्म तो वो बोलेगा नहीं मैं क्यों पहनूँ मैं कलरफुल ड्रेस में आऊँगा और जब सब कलरफुल ड्रेस में जाएंगे वैन एवरीबडी वेयर्स फेंटेस्टिक क्लोथ्स द दबल ड्रेसिस सोबरली और जब सब लोग एकदम जैसे मान लो कोई बर्थडे पार्टी है या yes, स्कूल में कहा इट्स अ ट्रेडिशनल डे तो सब बहुत अच्छे से बहुत ही इंटरेस्टिंग कपड़े पहन के आएंगे बहुत कलरफुल क्लोथ्स में आएंगे तब रिबल बोलेगा नहीं आई कम इन माई यूनिफॉर्म आई कम इन द मोस्ट प्लेन एंड बोरिंग क्लोथ्स इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रिबल एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स अगर सब लोग बोलेंगे नहीं यार आई एम एम आई सो मच इन लव विद डॉग लाइक सपोज अ डिस्कशन इज गोइंग ऑन एंड द पीपल आर सेइंग दैट आई हैव दिस डॉग आई हैव दैट डॉग एंड डॉग्स आर सो गुड डॉग्स आर सो फेथफुल एंड दे आर टॉकिंग अबाउट डॉग्स सो द रिबल वुड से मुझे तो डॉग्स पसंद ही नहीं है आई एम अ कैट लवर मुझे कैट्स अच्छी लगती है डॉग्स तो मुझे अच्छे नहीं लगते इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स और अगर मान लो हर जगह देयर आर कैट लवर्स एंड दे आर टॉकिंग अबाउट देयर किटीज़ हिल से कि नहीं क्या है ना मुझे डॉग लवर व डॉग लवर और मुझे डॉग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं और डॉग्स ये कितना अच्छा करते हैं डॉग्स में ये कितनी अच्छी चीज होती है सो ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डॉग्स वाई बिकॉज ही कैन नॉट बी इन द सेम डिस्कशन ही हैजू स्टैंड आउट उसको कुछ अलग करना ही है दिबिल इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स वेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन दबिल रीमार्क्स ऑन द नीड ऑफ द रेन सपोज इट्स अ लाइक ब्यूटिफुल विंटर डे और सब लोग बोल रहे हैं आज कितनी अच्छी धूप निकली हुई है कितना अच्छा मौसम हो रहा है so रिबिल बोलेगा नहीं यार आई विश बारिश हो रही होती कितना अच्छा लगता एंड अगर वेन एवरीबडी इज़ ग्रीटिंग द रेन द रिबिल रिग्रेट द एबसेंस ऑफ सन और जब मान लो बारिश हो रही है बहुत खूबसूरत सी बारिश हो रही है भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है और सब बहुत तारीफ कर रहे हैं उसकी सब इन्जॉय कर रहे हैं रेन को तो रिबिल बोलेगा नहीं यार आई मिस द सन

और सब लोग घर में बैठे हुए हैं आराम कर रहे हैं बुक रीड कर रहे हैं तो रिबल बोलेगा मुझे तो मीटिंग करनी है आई वुड वॉन्ट टू मीट एवरी वन वेन एवरीबडी सेज यस प्लीज द रिबल सेज़ नो थैंक यू सो अगर सपोज यू नो यू आर ऑफरिंग समथिंग आप सबको दे रहे हो कुछ सो so, अगर सब कहेंगे येस प्लीज विल डू इट और सपोज द टीचर सेज समथिंग की हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद इट सब बोलेंगे येस मैम आई नो अबाउट इट वो बोलेगा नहीं आई डोंट नो और नो थैंक यू आई डोंट वॉन्ट इट द रिबल्स इट इज़ वेरी गुड दैट एंड वेन एवरीबडी सेज़ नो थैंक यू द रिबिल से इज़ येस प्लीज और जब बाकी सब लोग कहते हैं नहीं 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 थैंक यू हमें नहीं चाहिए रिबिल बोलेगा यस आई वॉन्ट इट इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन अब इन दो लाइन्स में पोएट इज सेंग अब हमको एक uh, रिबिल का नेचर पता चल गया दैट इट इज़ अ वेरी डिफरेंट नेचर दैन द रेस्ट ऑफ द लॉट ही वुड वॉन्ट द लॉट ऑफ अटेंशन ही वुड वॉन्ट टू हैव इज़ ओन पाथ उसको कुछ नया करना है कुछ अलग करना है उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं और वो बिना रीज़न के कुछ नहीं करेगा सो so, यहाँ पर वो क्या कह रहा है इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स क्या वाकई में ये अच्छी बात है कि हमारे पास रेबल्स हैं जो लोग सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे एन ऑल सो उसका एक रीज़न है अगर इफ़ इट इज़ फॉर द गुड कॉज लेट्स गो बैक टू ऑल दोज ईयर्स जब हम लोग अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे अगर सब लोगों को ब्रिटिशर्स एक ही जैसे ट्रीट कर रहे थे बट द फ्रीडम फाइटर्स वो रिबेल ही तो थे जिन्होंने बोला वाई शुड वी बी ट्रीटेड लाइक दिस हमें क्यों कोई इस तरीके से ट्रीट करेगा और उन्होंने क्या किया दे स्टैंड आउट उन्होंने उस चीज़ पे एक्ट किया उन्होंने बोला आई एम नॉट ओके विद दिस मीन देयर हेड्स दे स्टूड आउट एंड सेड नो सो अनदर एग्जांपल अगर सोसाइटी में कोई इनजस्टिस है कोई इनकोलिटी हो रही है इफ़ यू फील कि नहीं सपोज दर इज़ अ पर्सन हु इज़ मिसट्रीटिंग एवरी लेकिन सबको डर है कि वो बंदा जो है वो बहुत पावरफुल है तो कैसे वो लोग उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे बट देन देर इज़ दैट रिजेबल वो दैट वन पर्सन जो बोलता है कि नहीं आई एम नॉट गोइंग टू बेयर ऑल दिस ऑल दिस थिंग्स सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गुड बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एक डिफरेंस कैन मेक अ चेंज और डिफरेंसेस जो होती हैं सोसाइटी में वो ज़रूरी होती हैं टू अंडरस्टैंड पीपल कि हाँ लोग अलग अलग तरीके के होते हैं यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन बट अगर यू वॉन्ट टू बी रिबेल सो शायद तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग टू गो अगेंस्ट यू हर कोई तुम्हारे अगेंस्ट चला जाएगा द सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू लाइक यू क्योंकि तुम उनके नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे जो गवर्नमेंट है उनके रूल से तुम अग्री नहीं कर सकते सो दे आर नॉट गोइंग टू लाइक यू सो दिस इज हाउ द पोएट इज सेंग दो इट इज गुड टू बी अ रेबिल बट इफ यू आर अ रेबिल मे बी यू वुड नॉट लाइक इट सो दिस वॉज अ स्मॉल पोअम I won't say small but very easy poem, and uh, the name was Rebel. Now, quickly let's have a look at the summary. The poem The Rebel describes the character of a rebel, a person who does not act according to the norms of the society. So, this you know, poem is Rebel. ये क्या डिस्क्राइब कर रही है इट इज डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर ऑफ अ रिबिल कि एक रिबिल जो होता है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है कैसे एक्ट करता है उसकी सोच कैसी होती है उसका कैरेक्टर कैसा होता है एंड हु इज अ रिबिल हु डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्म्स द बेसिक रूल्स ऑफ सोसाइटी द रिबिल इज डिस्क्राइबड एज अ पर्सन हु वुड कॉन्ट्राडिक्ट अदर्स इन ऑर्डर टू बी डिफरेंट वो हर किसी की बात को काटेगा अगर आप कुछ बोल रहे हो वो बोलेगा नहीं ये तो गलत है अगर आप बोल रहे हो ये गलत है तो वो बोलेगा नहीं ये सही है कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब ऑपोजिट बात करना और द कैरेक्टर ऑफ द रिबल इन द दोम सीम्स टू बी अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अ यंग ट्राइंग टू बी डिफरेंट ये जो पूरी पोम है हमारी जो लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस होती है उसमें जो टीनेजर्स होते हैं जो अडोलिसेंट आती है तब यूजली इट्स दैट यू नो यू हैव अ लॉर्ड ऑफ हार्मोनल चेंजेस यू अचानक से आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं तो क्या होता है हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं प्लस जब हम पे कोई अपने डिमांड्स या अपने रिक्वेस्ट इम्पोज करता है अगर हमारे अपने थाट्स भी इम्पोज करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता द वर्ड दैट आई एम यूजिंग इम्पोज इट मीन्स प्रेशराइज़ करता है थोपता है हमें अच्छा नहीं लगता एंड हमें लगता है हम क्यों करें सो so, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जो पूरी पोम है ये एक टीनेजर पे बेस्ड है ऑल द इंस्टेंसेस इन द पोम आर द फिडेटिव रिपीटेটিভ एफोर्मेशंस ऑफ दिस फैक्ट जितनी भी हमने लाइंस पढ़ी हैं ये सब क्या है ये एक ही बात को बता रही है कि रिबल क्या-क्या करता है रिपीटेटिव एफोर्मेशंस मतलब आप रिपीट कर रहे हो वो सारी चीजें जो कंफर्म करती है कि रिबल क्या करता है इफ रिबल सीज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद शॉर्ट हेयर ही वुड लेट हिज हेयर ग्रो लोंग ऑन सींग अदर्स विद लॉन्ग हेयर दिल वुड कट शॉर्ट हिज हेयर द सेम थिंग कि अगर लंबे बालों वाला सीजन चल रहा है सब ने बोला नहीं बड़े हमें हमें लंबे बाल अच्छे लग रहे हैं वो बोलेगा मेरे को अपने बाल छोटे कराने हैं और सब ने बोला कि नहीं यहाँ पे छोटे बाल रखना कंपलसरी है वो बोलेगा मुझे तो लंबे बाल रखने हैं सींग एवरीबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन द रेबिल वु बिकम एब्सोल्यूटली म्यूट इफ ही वुड सी दैट एवरी वन इज टॉकिंग इन द लेसन द टीचर इज टेकिंगसन ही

similarly on various such issues the rebel would be seen contradicting others and doing things that no one would be doing he would refuse to wear a uniform when the others would be wearing it praise the dogs when in the company of cat lovers appreciate the sun on rainy days and the rains on the sunny days so बस दूसरों को काटने के लिए और उनसे अलग कुछ कहने के लिए वो हर चीज़ का उल्टा करेगा रेनी डे में सामर्स को याद करेगा या सनी डे को याद करेगा सनी डे में वो रेन्स को याद करेगा डॉग लवर्स के बीच में कैट्स को अप्रिशिएट करेगा कैट लवर्स के बीच में डॉग्स को अप्रिशिएट करेगा ही वुड जस्ट डू एनी थिंग बट नॉट अदर वॉट अदर्स आर डूइंग दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट वो हर कुछ करेगा लेकिन वो नहीं करेगा जो बाकी के लोग कर रहे हैं इन द एंड द पोएट सेज डेट हैविंग रिबल्स अराउंड अस इज बेनिफिशियल एज दे ट्रेन आस टू एक्नोलेज डिफ्रेंसेस अगर सब एक जैसे एक्ट करेंगे और ऐसा कोई नहीं होगा जो अलग तरीके से एक्ट कर रहा है तो हमें डिफरेंसेस को एक्नोलेज करना नहीं आएगा हमें डिफरेंसेस को अकोमोडेट करना नहीं आएगा हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे हम उनको समझ नहीं पाएंगे तो इसी लिए हमारी लाइफ में रिबल्स होना ज़रूरी है दे स्टैंड अप फॉर दमसेल्व्स रिबल होना इज नॉट ईजी अगर हर कोई एक काम कर रहा है तो इट इज वेरी इजी टू स्विम इन द सेम डिरेक्शन अगर आपकी जो नदी है वो एक डिरेक्शन में बह रही है उस डिरेक्शन में स्विम करना इज वेरी इजी लेकिन अपोजिट स्विम करना इज वेरी डिफिकल्ट सो यू नीड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इफ यू वॉन्ट टू बी अ रिबिल रिबल कैन बी गुड इफ द कॉज इज राइट इफ़ ही शी इज़ फाइटिंग अगेंस्ट सम इनजस्टिस दैन द पर्सन कैन बी एन एसेट फॉर आर सोसाइटी एसेट मतलब क्या होता है कि ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई है ओके okay? मतलब ये मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर कोई भी इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहा है कोई चीज़ गलत हो रही है उसके खिलाफ लड़ रहा है अगर उस चीज़ का जो उसने उसका रेबेलियस नेचर है अगर उसका आउटकम अच्छा है बेहतर है या प्रोडक्टिव है देन इट इज़ गुड टू बी अ रिबल ऑल द इट इज नेगेटिव ट्रेट एज द पर्सन ब्रेक्स द रूल ऑब्वियसली ना अगर एक रूल बनाया हुआ है उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा एटलीस्ट द इंटायर सोसाइटी एज अ होल उसे अच्छा नहीं लगेगा एंड शोज टोटली अपोजिट ट्रेट ऑफ वॉट इज एक्सपेक्टेड विच इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर अदर्स अगर सब लोग बोलेंगे कि वी हैव टू लाइक एक बहुत प्रॉपर डिनर पार्टी है जिसमें सब लोगों को थ्री पीस सूट पहन के आना है और वो धोती में आ जाए सो ऑब्वियसली इवन पीपल वॉन्ट बी लाइक पीपल फील कंफर्टेबल राइट सो दिस इज वॉट समरी नाउ वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू हैव अ क्विक लुक एट द पोएट्री डिसेज दैट वी हैव यूज इन दिस पोम अब हमने इसमें जो पोएट्री डिवाइस यूज करी हैं वो क्या क्या हैं दो पोएट्री डिवाइसेस यूज़ हुई हैं इसमें एक है रिपीटेशन और एक है एलिट्रेशन मैं आपको ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ रिपीटेशन एक बार हम पोएम को देखते हैं वापस अगर इस पोएम को हम देखें सो व्हेन एवरीबडी इज डूइंग दिस द रिबिल इज डूइंग दिस वैन दिस वेन दिस एंड द रिबिल ये कंटिन्यूसली यूज हो रहा है ये रिपीट हो रहा है सो so, किसी भी पोएम को राइमिंग करने के लिए या उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो पोएट्स होते हैं वो बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं डिवाइसेस यूज़ करते हैं ट्रिक्स यूज़ करते हैं सो so यहाँ जो पोएम ने जो डिवाइस यूज़ किए टू मेक इट इंटरेस्टिंग उन्होंने रिपीटेशन यूज़ किया है नाउ द सेकेंड थिंग इज एलिट्रेशन ओके एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है जब सेम कन्सोनेंट साउंड बार बार आता है एग्जाम्पल सी Uh, sorry, she sells seashells on the seashore. Right? hai S sare in the consonant sound of s is coming again and again, right? So that is why this is known, like this is known as alliteration. For example, Donald Duck, a very common example, Donald Duck. So The consonant sound of D is coming again and again. Similarly, we have another example Mickey Mouse. Mickey Mouse. Again, isme jo M ka jo sound hai it's coming again and again. So this is known as alliteration. इसको usually tongue twisting words भी बोलते हैं, tongue twisters कहते हैं इनको. So अब हम हमारी poem को check करते हैं कि इनमें alliterations कहाँ used हुए हैं. So let's start. Uh, इस पोम में दो पोएट्री डिवाइस यूज हुई हैं एक है रिपीटेशन और दूसरा है एलिट्रेशन सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस इन केस आपके पास एक क्वेश्चन आता है टू

जो पोइट है वो उसको एज अ पेन और प्रॉब्लम नहीं बता रहा है ही इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट इट वेरी कैशुअली नाउ स्टाइल कैसा है उसका कैशुअल एंड इनफॉर्मल हम फॉर्मली बात नहीं कर रहे एक नॉर्मली एक रिबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके कैरेक्टर्स को उसके एट्रीब्यूट्स को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं अब इस पोम में एक नई चीज़ है आ, इनको बोलते हैं कपलेट्स सो so, अगर आप अपनी बुक में पोम देखेंगे तो उसमें ये जो पोएम है दो दो लाइन से बनी हुई है सो so, ये दो लाइन इधर से आते हैं yes, सो so, ये दो लाइन फिर दो लाइन फिर दो लाइन फिर दो लाइन सो बेसिकली इन्हें बोलते हैं कपलेट मतलब अ पेयर ऑफ टू लाइन ओके सो इसमें टोटल फिफ्टीन कपलेट्स हैं सो इफ में टोटल फिफ्टीन कपलेट्स हैं okay? yeah. so, A couplet is a unit of two lines. or her couplet, if we when this does this, the rebel does this. So basically, these two are opposite in nature. These the lines they are totally talking about two opposite things. Opposite in meaning. So guys, we have discussed our poem. We have discussed the summary. We have discussed the poetry devices. I am sure that you must have liked the poem. It's interesting. And somewhere we have compared to ourselves that am I a rebel? क्या और या हमारे आसपास के लोगों से कि हाँ ही इज अ दबिल हाँ वो ऐसा करता है सो इफ दिस थिंग यू हैव डन सो मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन आंसर्स लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन सो यू हैव टू आंसर ऑल द फाइव क्वेश्चन इफ़ समन डजेंट वेयर यूनिफॉर्म टू स्कूल वॉट डू यू थिंक द टीचर विल से यू कैन टेल मी अगर आप यूनिफॉर्म पहने बिना चले गए तो टीचर क्या बोलेगी शिल स्कोल्ड यू She'll ask you the reason why you are not wearing your uniform, or if you have genuine reason, nahe, so obviously you will get a punishment. When everyone wants a clear sky, what does the zebel want most? He wants rays If the zebel has a dog for a pet, what is everyone else likely to have? So, if the dog has a dog, so what would everyone else have? Everyone else would have a cat. राइट देन वाई इज़ इट गुड टू हैव हैवरेबल्स सो ये वाला पॉइंट हमने बहुत um, अच्छे से डिस्कस किया था कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव हैवरेबल्स क्योंकि अगर उनका कॉज अच्छा है अगर जो उससे एक अच्छी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है देन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी अरेबल अगर वो सोसाइटी की कुछ दखियान उसी चीज़ों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं देन इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग और एक और चीज़ होती है कि हमको डिफरेंसेस को अकोमोडेट करने में हेल्प होती है वाई इज़ इट नॉट गुड टू बी अ रिबिल वन सेल्फ हम खुद अगर रिबल होते हैं तो वाई इज़ इट नॉट गुड सो आई वुड नॉट से इट इज़ नॉट गुड बट येस वॉट्स द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज दैट द सोसाइटी डजेंट अप्रिशिएट दैट सोसाइटी को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी और वो लोग उस चीज़ के खिलाफ खड़े हो जाएंगे वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे नॉ लेट सी दी आंसर्स डैट वी है So, the first answer: if someone does not wear a uniform to school, the teacher would scold him and probably ask him to stand outside the class. When everyone wants a clear sky, the rebel wants rains the most. If the rebel has a dog for the pet, everyone is likely to have a cat. It is good to have rebels because they are different from others and provide a source of mischief and amusement to others. So, मतलब जो पूरे माहौल को लाइट कर देते हैं दे ऐड सम स्पाइस टू द एटमोसफेयर वो मिस्चीवियस होते हैं वो लोग काफ़ी मस्ती करते हैं एंड इट इज़ इट्स अ फन अगर अदरवाइज हम सब कुछ जो होगा वो बहुत मोनाटनस बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा इट इज़ नॉट गुड टू बी रिबेल वन सेल्फ बिकॉज देन द अदर्स वुड लाफ एट अस एंड वी वुड बी स्कोल्डन एंड मेट विध इनडिफरेंस बाई एवरी वन वी डिस तो अगर हम रिबेल हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी कोई हमसे अग्री नहीं करेगा और जिन चीज़ों को हम पसंद नहीं करते हमारे सामने वही चीज़ें आएंगी एंड मेट विथ एंड विल बी मेट विथ इन मतलब जब लोग जो हैं उनका बिहेवियर हमारे तरफ जो होगा वो बहुत अलग हो जाएगा वो हमसे कटे कटे रहने लग जाएंगे वो हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे बाई एवरी वन वी डिसअग्री विथ जिनसे भी हम अग्री नहीं करते वो हमसे दूर चले जाएंगे चाहे वो हम उन्हें कितना भी पसंद करते हों, लेकिन अगर हमने उनसे कहा कि नहीं आपकी बात से हम अग्री नहीं करते तो वो हमसे कट जाएंगे वो हमारे साथ इनडिफरेंट हो जाएंगे राइट सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड इन द पोम एन एंटोनिम अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स सो so, अगर हम इस पोम को देखते हैं तो उसमें हर जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो कट हेयर लॉन्ग सो ही वुड वॉन्ट टू कट द हेयर शॉर्ट सो हर जगह क्योंकि वो ऑपोजिट एक्ट कर रहा है ऑपोजिट वर्ड्स को हम बोलते हैं एंटोनिम्स सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एंटोनिम्स हैं इस पोएम में और हमें यही लिखने हैं सो लॉन्ग का वर्ड वॉज इट शॉर्ट ग्रो कट सो क्वाइटनेस सोबर एंड लॉस सो लेट्स क्विकली सी दी आंसर्स

And uh, you are not dressed. When when I say sober, I am wearing plain clothes. I am wearing uh, exactly the way I am supposed to be dressed. Matlab, agar main kisi office mein ja hon, so I I would want to wear a sari or a suit or maybe my trousers and shirt. I will not wear a lehenga and go to this office, right? Ya, agar koi huma, either pe teachers, jo aati hai, either they wear a sari or a suit. But if lehenga, ke a gahi, it won't look good, right? That won't be called as. Sober. Next one is lost. Lost ka opposite would be find. So, both these simple uh, antonyms hai. Again, antonym ka matlab hota hai opposite words. And we pronounce it as antonyms. That's it. Let's move forward to the next question. Find in the poem lines that match the following. Read both one after the other. द रेबल रिफ्यूजेज टू कट हिज हेयर लाइक फाइंड इन द पोम लाइन ये जो लाइन है यह आप पोम में फाइंड करो एंड मैच द फॉलोइंग रीड बोथ वन आफ्टर द अदर सो दबल रिफ्यूज टू कट हिज हेयर एंड द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग मतलब इसको उससे हमें मैच करना है सो ही सेज कैट्स आर बेटर द रेबल एक्सप्रेसेज अ प्रेफ्रेंस फॉर कैट्स मतलब कौन सी लाइन है जो आपकी पोएम में इस लाइन को एक्सप्रेस करती है फॉर एग्जाम्पल ही रिकमेंड्स डॉग्स सो इसके लिए जो लाइन है वो है द रिबिल इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स पुट्स इन अ गुड वर्ड का मतलब होता है टू से समथिंग गुड फॉर डॉग्स अगर यहाँ पे है ही इज अनहैप्पी बिकॉज देयर इज नो सन सो द लाइन दैट सीज दिस इन द पोम इज द रिबिल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन the last one is he is noisy on purpose so here the rebel creates a disturbance noisy on purpose ka matlab ki jan jaanबूझ ke so obviously the answer is the rebel creates a disturbance i hope you are getting the answers and here we are done with our poem the rebel i hope it was fun interesting and uh, इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिया सो वी आर डन विद एवरीथिंग, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट इज इ न्यू चैप्टर एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड हैप्पी, स्टे कनेक्टेड थैंक यू बाय